हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग प्रैक्टिस बैच डे 9th रहेगा आज हमारा। इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए ये है सर, अब कुछ सेशन जो है हमारे वो रिकॉर्डेड मोड पर रहेंगे, ठीक है जी? क्योंकि सर एग्जाम आने वाले हैं, टाइम कम रह गया है, तो अब मैं थोड़े बड़े बड़े सेशन को रिकॉर्डेड मोड पर अपलोड कर दूंगा, ठीक? प्रीमियर रहेंगे वो रात को 8 बजे, ठीक है जी? टाइमिंग में चेंज नहीं रहेगा, टाइमिंग वही रहेगा रात को 8 बजे का, लेकिन रिकॉर्डेड मोड पे रहेंगे, ठीक? तो जैसे जैसे रिकॉर्ड होते रहेंगे मैं अपलोड करता चला जाऊंगा, ठीक? टाइमिंग जो रहेंगे वो प्रीमियम मोड पे रहेंगे रात को 8 बजे, ठीक? बीच में अगर मुझे कुछ टाइम चेंज करना पड़ा तो कर दूंगा, लेकिन अब कुछ सेशन रिकॉर्डेड मोड पे रहेंगे। थोड़े लंबे भी हो सकते हैं, जहां पर मुझे एक सेशन में कई सारे टॉपिक्स कराने हैं वहां मैं कई सारे टॉपिक्स भी करा दूंगा। थोड़े लंबे भी सेशन हो सकते हैं, मतलब जनरली हमारा 1.5 घंटे का हो रहा था, तो अब 2-3 घंटे का भी जा सकता है, तो वह रिकॉर्ड करके उसको मर्ज कर दूंगा, ठीक है? लाइव मोड पे अब टाइम थोड़ा कम बचा है, तो मुझे लाइव मोड की बजाय अब थोड़ा रिकॉर्डेड मोड पे इसे लेकर आना पड़ेगा, ठीक है जी? बाकी करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम करते आ रहे हैं। चलिए जी, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम कौन कौन से स्टैंडर्ड कवर करने वाले हैं। आज हमें 4 स्टैंडर्ड कवर करने हैं, दैट इज योर AS 20, AS 20, AS 22, AS 24 एंड AS 26। ये 4 स्टैंडर्ड कवर करेंगे आज हम, AS 20, 22, 24 एंड 26। एक बार नाम बता दीजिए। AS 20 का नाम है हमारा अर्निंग पर शेयर, EPS बोलते हैं आप इसे। AS 22 का नाम है हमारा अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। AS 24 का नाम है हमारा डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, और AS 26 का नाम है हमारा इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है जी? तो ये 4 हमारे AS कवर होंगे। ये चारों AS की अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस पूछोगे तो सर ये अच्छी कैटेगरी के, हाई कैटेगरी के स्टैंडर्ड है, ठीक? चार चारों नहीं कह सकता, लेकिन 4 में से 3 स्टैंडर्ड आप मान के चल सकते हो, तो आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो, आएगा जरूर। ऐसा नहीं होगा कि इन 4ों में से क्वेश्चन ना आए, आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो रेंजिंग बिटवीन 10 to 15 मार्क्स, 10 से 15 नंबर के आपको यहां पर ये इन 4ों AS से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है जी? आइए जी, तो सबसे पहले हम उठाते हैं सर RTP, इसको RTP उठाते चले जाएंगे, फिर पास्ट एग्जाम पे आएंगे और चारों स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है जी? तो RTP उठाते हैं सबसे पहले, मई 22 RTP। लीजिए जी, ये मई 2022 का RTP है, इसमें आपका आएगा क्वेश्चन नंबर, एंड में ही मिलेगा आपको, क्योंकि एंड के स्टैंडर्ड ही है, तो आपको एंड में ही कुछ क्वेश्चन मिलेगा इसका। हाँ जी, 18, 18, 19, 20 के आसपास आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 18 आ गया हमारा EPS का। लो जी, क्वेश्चन नंबर 18 EPS अर्निंग पर शेयर, AS 20 पढ़ो क्या कहता है। ए पार्ट, स्टॉक ऑप्शंस हैव बीन ग्रांटेड बाय AB लिमिटेड टू इट्स एम्प्लॉइज एंड दे वेस्ट इक्वली ओवर 5 ईयर्स, दैट इज 20% एट द एंड ऑफ ईच ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट, ठीक है? ये आपने ईसॉप्स का चैप्टर पढ़ा होगा, तो कंपनी ने क्या करे सर, ईसॉप्स ग्रांट करे, ठीक? और उसकी वेस्टिंग कंडीशन क्या है कि वो हर साल 20-20% क्या होंगे वेस्ट होते चले जाएंगे। द ऑप्शन विल वेस्ट ओनली इफ द एम्प्लॉय इज स्टिल एम्प्लॉयड विद द कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है? ईयर एंड पे देखा जाएगा सर, अगर एम्प्लॉय कंपनी में है तो ही उसका ऑप्शन वेस्ट होगा, अदरवाइज उसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, लैप्स हो जाएगा, ठीक? इफ द एम्प्लॉय लीव्स द कंपनी ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड द ऑप्शन दैट हैव वेस्टेड कैन बी एक्सरसाइज वाइल अदर्स वुड लैप, अदर्स वुड लैप्स, ठीक है जी? वो कह रहा है अगर वेस्टिंग पीरियड में एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है तो ऑप्शन दैट हैव जो उसने वेस्ट कर रखे हैं वो एक्सरसाइज कर पाएगा और बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे। मान लो 5 साल की कंडीशन थी कि भाई 5 साल की कंडीशन है, 5 साल में 4 साल तो वो टिक गया, तो 4 साल के जितने भी ऑप्शन वेस्ट हो गए हैं वो एक्सरसाइज कर सकते हैं और बाकी जो 1 साल के ऑप्शन बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे,
ठीक, तो 5 साल की कंडीशन जनरली पूरी करनी पड़ेगी। ठीक, करंटली एबी लिमिटेड इंक्लूड्स ओनली वेस्टेड ऑप्शन फॉर कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड ईपीएस। एबी लिमिटेड ने क्या करा सर, वेस्ट जितने भी ऑप्शन वेस्ट हुए हैं उसी को यूज करा है टू कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस। शुड ओनली कंप्लीटली वेस्टेड ऑप्शन बी इंक्लूडेड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस, इज दिस इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ AS 20? एक्सप्लेन। आप लोगों को AS 20 का प्रोविजन याद होगा, वहां पर हम एक डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए पोटेंशियल इक्विटी शेयर की कैलकुलेशन करते थे, तो उसमें पॉइंट होता था ऑप्शंस का। उसमें ऑप्शन का पॉइंट क्या होता था सर, ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि सर ऑप्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर और नॉट। लेकिन वो कब से देखोगे, वो ग्रांट डेट से देखते हैं। उसमें आपको वेस्ट होंगे या नहीं होंगे वो नहीं देखना, आपको आपको ग्रांट डेट से देखना है। और जो ऑप्शन लैप्स हो गए हैं, जो ऑप्शन लैप्स हो गए हैं उनका आपको प्रोपोर्शनेट देखना है कि कितने टाइम पीरियड के लिए वो ऑप्शन वेस्टेड थे। ठीक है जी, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो आपको ग्रांट डेट आपके लिए क्या है, रेलेवेंट है कि जिस दिन ग्रांट हुए वहीं से हमें ऑप्शंस को क्या करना है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर की डेफिनेशन में काउंट करना पड़ेगा। ठीक है जी, आइए जी, आईसीएस का आंसर क्या लिखता है। लो जी, द करंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड ईपीएस अडॉप्टेड बाई एबी लिमिटेड इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद एस टोडी। करंटली एबी लिमिटेड ने क्या कर रखा है, एबी लिमिटेड ने जितने भी ऑप्शन वेस्ट हुए हैं उसी को डाइल्यूटेड ईपीएस की डेफिनेशन, डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करते समय पोटेंशियल इक्विटी शेयर में इंक्लूड किया, जो कि गलत है। द कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस शुड इंक्लूड ऑल पोटेंशियल इक्विटी शेयर, दैट इज ऑल स्टॉक ऑप्शन ग्रांटेड एट द बैलेंस शीट डेट विच आर डाइल्यूटिव इन नेचर इन रिस्पेक्टिव ऑफ द वेस्टिंग पैटर्न। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट कि हर बैलेंस शीट डेट पे जितने भी ऑप्शंस ग्रांट कर रखे हैं वो आप लोगे टू कैलकुलेट डाइल्यूटिव ईपीएस इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेस्टिंग पैटर्न। कि वेस्ट होंगे नहीं होंगे वो नहीं देखने आपको, ग्रांट अगर कर रखे हैं तो ग्रांट करने का मतलब क्या हुआ, वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर बन सकते हैं, तो उसको आप डाइल्यूटिव ईपीएस की कैलकुलेशन में ले लोगे। द ऑप्शन दैट हैव लैप्स्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो ऑप्शन लैप्स हो गए हैं शुड बी इंक्लूडेड फॉर द पोर्शन ऑफ द पीरियड द सेम वर आउटस्टैंडिंग पर्सुएंट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड। कि भाई जो ऑप्शन लैप्स हो गए हैं उसको आप देखोगे कितने पीरियड के लिए वो आउटस्टैंडिंग थे, तो उसको उस हिसाब से आप कंसिडर करके चलोगे। भाई जरूरी नहीं है ना पहले साल में ही आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन लैप्स हो जाएंगे। मान लो कोई ऑप्शन आपके 4 साल बाद लैप्स हो रहे हैं, तो पहले 3 साल तक तो वो आउटस्टैंडिंग थे, तो उसको आप इक्विटी शेयर की डेफिनेशन में, पोटेंशियल इक्विटी शेयर में इंक्लूड करोगे। AS 20 स्टेट्स दैट, सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूं वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है हर बैलेंस शीट पे आपने जितने ऑप्शन ग्रांट कर रखे हैं, जितने ऑप्शन आपने ग्रांट कर रखे हैं उसको आप पोटेंशियल इक्विटी शेयर में इंक्लूड करोगे। सर अगर मान लो ऑप्शन लैप्स हो गया है तो देखोगे कि भाई वो आउटस्टैंडिंग, वो बैलेंस शीट डेट पे आउटस्टैंडिंग है या नहीं है। पहले साल में लैप्स हो गए तो वो तो खत्म ही हो गए। मान लो दूसरे साल में लैप्स हुए तो पहले साल के पोटेंशियल इक्विटी शेयर में तो इंक्लूड हो जाएंगे, दूसरे साल में नहीं होंगे। ठीक, तो आपको वेस्टिंग से पॉइंट ऑफ व्यू, वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि वेस्ट हुए या नहीं हुए, आपको ग्रांट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि ग्रांट कर रखे हैं या नहीं कर रखे, और जो लैप्स हो गए हैं तो उसको आप तो को देखना पड़ेगा कितने टाइम पीरियड के लिए वो आउटस्टैंडिंग थे, तो उसको आपको तभी पोटेंशियल इक्विटी शेयर की डेफिनेशन में कैलकुलेशन भी इंक्लूड करना पड़ेगा। AS 20 में लिखा हुआ है पोटेंशियल इक्विटी शेयर इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और अदर कॉन्ट्रैक्ट दैट एंटाइटल्स और मे एंटाइटल इट्स होल्डर टू इक्विटी शेयर। कि सर ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर उसके होल्डर को इक्विटी शेयर मिल सकते हैं, मिल सकते हैं, मिलेंगे या नहीं वो पक्का नहीं है। अगर ऑप्शन है मिलने का तो वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर बन जाएगा। जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर में डिबेंचर होल्डर के पास ऑप्शन होता है कि वो इक्विटी शेयर ले सकते हैं। मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो उनका ऑप्शन है, लेकिन मिल सकते हैं तो आप उसे पोटेंशियल इक्विटी शेयर बोलते हो। ऑप्शन इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान ESOPs अंडर विच एम्प्लॉइज ऑफ एन एंटरप्राइज आर एंटाइटल्ड टू रिसीव इक्विटी शेयर एज अ पार्ट ऑफ देयर रेम्यूनरेशन और अदर सिमिलर प्लान आर एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर। ESOPs सर इसी में आ जाते हैं। फर्दर फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड ईपीएस द नेट प्रॉफिट और लॉस, अच्छा नेट प्रॉफिट और लॉस में भी आपको क्या करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक, तो नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड शुड बी एडजस्टेड फॉर इफेक्ट ऑफ ऑल डायल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर। कि सर उस डायल्यूशन की वजह से जो शेयर पोटेंशियल इक्विटी शेयर आ रहे हैं उसकी वजह से कहीं अर्निंग्स पे इफेक्ट तो नहीं आ रहा, अगर अर्निंग्स पे भी इफेक्ट आ रहा है तो उसको भी आपको क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है जी, एक आध कोई क्वेश्चन आएगा डायल्यूटिव का तो हम कैलकुलेट करके भी देख लेंगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड
एज एट 31 मार्च 2021 हैज इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन ऑफ 2,40,000। ठीक है सर, प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन कितना आ गया हमारा 240 का, और लॉस आ रहा है फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ऑफ 360 एंड अकॉर्डिंगली नेट लॉस इज 120। ठीक है सर, नेट लॉस है 120 का, जिसका बाइफरकेशन क्या है कि सर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से हमारा 240 का प्रॉफिट है और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से हमारा 360 का लॉस है। द कंपनी हैज 1000 इक्विटी शेयर्स एंड 200 पोटेंशियल इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021 की 1000 तो इक्विटी शेयर है और 200 क्या है पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। ठीक, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बेसिक ईपीएस एंड डायल्यूटिव ईपीएस। इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सर पोटेंशियल इक्विटी शेयर को डायल्यूटिव ईपीएस की कैलकुलेशन में आप तभी लोगे जब उससे प्रॉफिट फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन डिक्रीज हो रहा हो, कि प्रॉफिट पर शेयर फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन अगर डिक्रीज हो रहा है तभी आप क्या करोगे पोटेंशियल इक्विटी शेयर को डायल्यूटिव ईपीएस के कैलकुलेशन में लोगे। मतलब वहां पर आपको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं देखना। अगर मैं यहां पर प्रॉफिट पर शेयर देखता हूं तो कितना आ रहा है 240 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 240 आ गया। ठीक, अगर मैं 240 डिवाइडेड बाय 1200 कर देता हूं, क्योंकि 1200 में 200 क्या हो गए पोटेंशियल इक्विटी शेयर आ गए, तो ये कितना हो जाएगा 200। तो यानी कि प्रॉफिट इज डिक्रीजिंग, प्रॉफिट पर शेयर इज डिक्रीजिंग, तो ये 200 शेयर आपके क्या होंगे डायल्यूटिव ईपीएस की कैलकुलेशन में इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक, लेकिन जो फाइनली आपको ईपीएस निकालनी है वो तो 120 के हिसाब से निकालनी पड़ेगी, वो तो 120 के हिसाब से निकालनी पड़ेगी। तो आपका बेसिक ईपीएस कैसे निकलेगी, तो बेसिक ईपीएस विल बी 120 का लॉस डिवाइडेड बाय 1000 शेयर, तो यानी कि 120 नेगेटिव। ठीक, और डाइल्यूटिव है 120 का लॉस डिवाइडेड बाय 1200, तो यानी कि 100 नेगेटिव। कि फाइनल कैलकुलेशन में तो आपको ये लॉस ही नेट लॉस यूज करना है, लेकिन आपको ये 200 शेयर, ये जो 200 शेयर आपके हैं इसको आप पोटेंशियल बोलोगे या नहीं बोलोगे, डाइल्यूटिव बोलोगे या नहीं बोलोगे, उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि भाई जो हमारा प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है क्या वो पर शेयर डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो क्या कहता है वो, एज पर एस 20 पोटेंशियल इक्विटी शेयर शुड बी ट्रीटेड एज डाइल्यूटिव व्हेन एंड ओनली व्हेन देयर कन्वर्जन टू इक्विटी शेयर वुड डिक्रीज द नेट प्रॉफिट पर शेयर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन। कि भाई उसकी कन्वर्जन होने की वजह से अगर हमारा प्रॉफिट, जो हमारा नेट प्रॉफिट पर शेयर है फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, अगर वो डिक्रीज हो जाएगा तो भी वो, तो ही हमारे वो जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है वो डाइल्यूटिव कहलाएंगे। अगर नहीं इंक्रीज डिक्रीज हो रहा तो वो हमारे पोटेंशियल इक्विटी शेयर डाइल्यूटिव नहीं कहलाएंगे। ये ध्यान रखना आपको पॉइंट, तो इसको अंडरलाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे, एज इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन इज 240 वुड बी कंसिडर नॉट 120 फॉर एसरटेनिंग वेदर 200 पोटेंशियल इक्विटी शेयर आर डाइल्यूटिव और एंटी डाइल्यूटिव। ठीक है जी, अकॉर्डिंगली 200 पोटेंशियल इक्विटी शेयर वुड बी डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर सिंस देयर इंक्लूजन वुड डिक्रीज द नेट प्रॉफिट पर शेयर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन फ्रॉम 240 टू 200। दस बेसिक ईपीएस, अच्छा ईपीएस की कैलकुलेशन के लिए वो तो आपको नेट लॉस लेना ही पड़ेगा। बेसिक ईपीएस है 120 और डीईपीएस कितनी आ गई आपकी -100। ठीक, नेक्स्ट AS 22 आपका टैक्सेस ऑन इनकम, जिसको आप प्यार से DTA और DTL वाला बोलते हो, डेफर टैक्सेस और डेफर टैक्स लायबिलिटी वाला। ओके, पढ़ो, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर रिपोर्टेड बाय PQR लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर 2021। ठीक है जी, टैक्स रेट कितना है आपका 30% का है। आइटम डिस अलाउड इन 1920 एंड अलाउड फॉर टैक्स पर्पज इन 2021 20 लाख रुपए की। कि सर कुछ आइटम थी 2019-20 में तो वो डिसअलाउ हो गई थी और 2021 में वो क्या हो गई है अलाउ हो गई है, तो ये टाइमिंग डिफरेंस है, तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा देखना पड़ेगा सर DTA या DTL। लेकिन टाइमिंग डिफरेंस का इफेक्ट DTA या DTL में आपको कैसे चेक करना होता है कि भाई अगर जो आइटम है हमारी वो पिछले पीरियड में भी थी तो आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई रिवर्सल ऑफ DTA DTL, और अगर अभी अराइज हो रही है तो ओरिजिनेशन ऑफ DTA DTL। ये ध्यान रखना, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं यहां पर कि अगर आइटम पहले से ही कैरी फॉरवर्ड होकर आ रही है तो सर आपको चेक करना पड़ेगा रिवर्सल ऑफ DTA DTL। ठीक, और अगर आइटम आपकी पहली बार बन रही है टाइमिंग डिफरेंस
तो क्रिएशन ऑफ डीटीए डीटीएल, ठीक है जी। अब यहां पर रिवर्सल होगा, बताओ क्या होगा रिवर्सल, बताओ क्या होगा, चेक करके बताओ मुझे। सर कुछ आइटम 19-20 में तो अलाउ हो गई थी, डिसअलाउ हो गई थी, लेकिन 20-21 में आपकी क्या हो रही है, अलाउ हो रही है, ठीक है। कैसे चेक करते हैं, सर 20-21 में इनकम टैक्स हमें ये आइटम अलाउ कर रहा है 20 लाख रुपए की, तो मेरी इनकम जो अपनी अपना टैक्सेबल इनकम होगी वो कम हो जाएगी 20 लाख से, टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी तो मुझे टैक्स कम करना पड़ेगा, टैक्स कम पे करना पड़ेगा तो मेरी लाइबिलिटी बनती है, मेरी क्या बनती है, लाइबिलिटी बनती है, लेकिन पहले मेरा एसेट बना हुआ होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल ऑफ डीटीए। क्या लिखूंगा मैं यहां पर, रिवर्सल ऑफ डीटीए, व्हाट शुड आई राइट, रिवर्सल ऑफ डीटीए। ठीक, अगर पहली बार आइटम अराइज हो रही होती तो आपको बोलना पड़ता क्रिएशन या ओरिजिनेशन ऑफ डीटीए डिटेल, यहां पर क्योंकि पिछली बार से कैरी फॉरवर्ड हो गया तो रिवर्सल आपको देखना पड़ेगा। देन इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेंट इन द बुक्स ऑन एक्रूअल बेसिस, ठीक है सर, इंटरेस्ट वगैरह क्या है हमारा एक्रूअल बेसिस पे आपने क्या करा है, अकाउंट फोर कर लिया, बट एक्चुअल पेमेंट वॉज मेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड अलाउड फॉर टैक्स पर्पज ऑल्सो, ठीक है। आपको इनकम टैक्स में सेक्शन 43B याद होगा, 43B क्या कहता है, वो कहता है कि सर सर्टेन एक्सपेंडिचर आर अलाउड ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस, उसमें ये इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह भी फॉल करता है, वो करंट ईयर में तभी अलाउ होगा जब आप करंट ईयर में उसे रिटर्न फाइलिंग डेट तक पे कर दोगे। तो वो यही कह रहा है कि भाई बुक्स में तो आपने उसे एक्रूअल बेसिस पे खर्चा ले लिया, लेकिन आपने क्या करा डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक आपने उसकी पेमेंट भी कर दी, तो इनकम टैक्स में भी अलाउ होगा, तो यहां तो कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा, यहां तो कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा, तो देर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस ही नहीं यहां पर, ठीक। देन डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट मेड इन 2021 नॉट अलाउड अंडर इनकम टैक्स लॉज, वो कह रहा किसी प्राइवेट ट्रस्ट को आपने डोनेशन दी, इनकम टैक्स आपको कभी इसकी छूट नहीं देने वाला, तो ये क्या हो गया आपका परमानेंट डिफरेंस हो गया, दिस इज योर परमानेंट डिफरेंस। दो तरीके के डिफरेंस होते हैं, टाइमिंग डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि सर जिसको करंट ईयर में आपका ओरिजिनेट हो रहा है, जो नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट पीरियड में जाकर आपका रिवर्सल हो सकता है, नेक्स्ट पीरियड में या नेक्स्ट पीरियड्स में, ऐसा नहीं है कि एक ही बारी में रिवर्सल होगा, आगे आने वाले पीरियड में भी रिवर्सल हो सकता है। और परमानेंट डिफरेंस जो करंट ईयर में आपका क्या हो रहा है, अराइज हो रहा है, लेकिन वो कभी भी आपका रिवर्स नहीं होगा, तो वो परमानेंट डिफरेंस होता है। तो ये परमानेंट डिफरेंस है कि डोनेशन आपको कभी अलाउ होने ही वाली नहीं है, तो वो आपका परमानेंट डिफरेंस रहेगा, उसका कोई डीटीए डीटीएल नहीं बनेगा। तो एक ही पॉइंट आ रहा है कि सर 20 लाख में आपको जो रिवर्सल ऑफ डीटीए करना पड़ेगा, रिवर्सल ऑफ डीटीए की एंट्री क्या बनेगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स असेट। ठीक, आओ जी इसका आंसर देखें एक बार। इंपैक्ट ऑफ वेरियस आइटम ऑन डीटीए डीटीएल एज पर AS 22, तो पहली ट्रांजेक्शन क्या थी हमारी, डिस अलाउंस एज पर आईटी एक्ट ऑफ अर्लियर ईयर, टैक्स पेबल फॉर द अर्लियर ईयर वॉज हायर ऑन दिस अकाउंट, पहले आपने ज्यादा पे कर दिया होगा, तो टाइमिंग डिफरेंस है, रिवर्सल ऑफ डीटीए हो रहा है, कितना हो रहा है 20 लाख का 30%, दैट इज 6 लाख रुपए का आपको डीटीए रिवर्स करना पड़ेगा। इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इट इज अलाउड अंडर डिडक्शन इफ द पेमेंट इज मेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, कि भाई ड्यू डेट से पहले पहले आपने पेमेंट कर दिया तो वो अलाउ हो जाएगा, तो कोई डिफरेंस है ही नहीं आपका, तो ना कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसका। डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट नॉट एन अलाउएबल एक्सपेंडिचर अंडर इनकम टैक्स एक्ट, कि कभी आपको इसकी छूट नहीं मिलने वाली है, तो ये आपका परमानेंट डिफरेंस है, तो इस पर भी कोई डीटीए डिटेल आपका नहीं बनेगा। ठीक, तो एक यही पॉइंट आ जाएगा आपका, क्लियर है, बोलो भाई। नेक्स्ट AS 24, देखो सर AS 24 थोड़ा सा आपका याद करने वाला, रट्टा मारने वाला स्टैंडर्ड है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आपको याद करना पड़ेगा। इसके मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूं, इसके लिए हम लिखते हैं क्वेश्चंस कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, नोट कर लो। मीनिंग ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, एक तो ये एग्जाम में आ सकता है मीनिंग ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक्टिविटीज, ये वाला क्वेश्चन था ना, एक्टिविटीज दैट डू नॉट सेटिस्फाई क्राइटेरिया ए ऑफ पैरा 3 है शायद,
पैरा थ्री ऑफ AS 24, बट इन कॉम्बिनेशन में डू सो। मतलब इसका क्या है, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है सर, कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं जो इंडिविजुअली अगर आप बात करोगे तो वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं बनेगी। देखो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कोई भी एक्टिविटी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन तब कहलाएगी जब वो AS 24 के पैरा 3A को सेटिस्फाई कर देती हो। तो वो कह रहा है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो पैरा 3A को सेटिस्फाई, इंडिविजुअली सेटिस्फाई नहीं करी लेकिन कंबाइन करके वो पैरा 3A को सेटिस्फाई कर देंगी। तो कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो इंडिविजुअली पैरा 3A को सेटिस्फाई नहीं करेंगी, ये आपको याद करनी है। ठीक, ये आपको याद करनी पड़ेगी। और एक आ सकता है डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट एज पर AS 24। सर AS 24 में आपको क्या क्या डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी, ये सर आपके लिए तीन क्वेश्चन रेलेवेंट है। इन तीनों को रट लो, रटना ही पड़ेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है। इनको अच्छे से याद कर लो, एग्जाम में आ गए तो इन्हीं तीनों में से आएगा, पांच नंबर पक्के हैं आपके। ठीक है जी, अब हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आपको देखना आपको यही मिलेंगे क्वेश्चंस। लो भाई पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट ऑफ AS 24 फॉर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। आगे सर वही प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के ऊपर। लो जी ये आपको याद रखना है, An enterprise should include the following information relating to discontinuing operation in its financial statement, beginning with the financial statement for which initial disclosure event occurs. Discontinuing operation का मतलब क्या होता है कि सर जब entity decide करती है कि मुझे अपने business को बंद करना है, बंद करने का decision ही discontinuing operation कहलाता है। ठीक, तो वहां पर एक event occur होता है जिसको बोलता है initial disclosure event। तो उस बैलेंस शीट डेट से ही आपको क्या करना पड़ता है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का डिस्क्लोजर देना स्टार्ट कर देना होता है। ठीक, और आईडी कैसे करोगा, आईडी कब करोगा, उसके लिए पैरा 3A है जिसकी कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ती है। तो आपको जिस पीरियड में इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट अकर हो गया उस पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही आपको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। और क्या क्या डिस्क्लोजर देना है वो आपको यहां पर याद करना है, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ये बताना है, द बिजनेस और ज्योग्राफिकल सेगमेंट इन विच इट इज रिपोर्टेड एज पर AS 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, कि सर आपकी कौन सी AS 17 के हिसाब से आपकी कौन सी बिजनेस सेगमेंट है या कौन सी ज्योग्राफिकल सेगमेंट है जहां पर यह डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आ गया है। डेट एंड नेचर ऑफ इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, कि सर इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट कब हुआ था, उसकी डेट और क्या नेचर था उसका, कैसे अकर हुआ था। द डेट और पीरियड इन विच डिसकंटिन्यूएंस इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इफ नोन और डिटर्मिनेबल, कि सर ये जो आपकी डिसकंटिन्यूएंस है ये कब तक चलेगी, अगर आप उसकी एग्जैक्ट डेट बता सकते हो तो वो बता दो या कुछ एक्सपेक्टेड डेट बता दो, डिटरमाइन कर लो। द कैरिंग अमाउंट एज ऑफ द बैलेंस शीट डेट ऑफ द टोटल एसेट टू बी डिस्पोज ऑफ और टोटल लाइबिलिटी टू बी सेटल, कि सर जो भी आप यूनिट बंद कर रहे हो, बंद करने वाले हो, हर बैलेंस शीट डेट पे आपको जो एसेट बिकने हैं और जो लाइबिलिटी सेटल होनी है उनका कैरिंग अमाउंट बताना पड़ेगा, बुक वैल्यू बतानी पड़ेगी। द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एट्रीब्यूटेबल टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड, कि सर ऑर्डिनरी एक्टिविटी का कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंस है जो आप डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में एलोकेट कर रहे हो, एट्रीब्यूट कर रहे हो, उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अमाउंट ऑफ प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एट्रीब्यूटेबल टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, कि कितना प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस है जो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का आप एट्रीब्यूट कर रहे हो टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस रिलेटेड थेरटू एंड द अमाउंट ऑफ नेट कैश फ्लोज एट्रीब्यूटेबल टू ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं वो ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड। तो ये सब चीजें आपको डिस्क्लोज करनी है विद रिस्पेक्ट टू डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन एज पर AS 24। ठीक, नेक्स्ट गिव फोर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिविटीज that do not necessarily satisfy criteria A of para 3 of AS 24 but that might do so in combination with other circumstances, ki sir aisi kaun kaun si activities hain jo para 3A ka AS 24 ke para 3A ka criteria satisfy nahi kar rahi hai, matlab discontinuing operation nahi ban pa rahi hai but
कंबाइन अगर उनको कर दिया जाए किसी और सर्कमस्टांस के साथ तो वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बन जाए। तो कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो इंडिविजुअली नहीं बन रही है, तो ये आपको चार पांच एक्टिविटीज याद करनी है। पैरा थ्री ऑफ AS 24, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एक्सप्लेन्स द क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू AS 24। एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटीज दैट डू नॉट नेसेसरली सेटिस्फाई क्राइटेरिया ए ऑफ पैरा थ्री बट दैट माइट डू सो इन कॉम्बिनेशन विद अदर सर्कमस्टांसिस इंक्लूड दीज फोर एक्टिविटीज। पहला, ग्रेजुअल और इवोल्यूशनरी फेसिंग आउट ऑफ प्रोडक्ट लाइन और क्लास ऑफ सर्विस, कि आप धीरे धीरे अपनी कोई प्रोडक्ट लाइन को बंद कर रहे हो या किसी क्लास ऑफ सर्विस को बंद कर रहे हो या उसका फेज आउट कर रहे हो, तो वो इंडिविजुअली आपकी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं बनेगी। डिसकंटिन्यूइंग इवन इफ एब्रप्टली सेवरल प्रोडक्ट विद इन एन ऑनगोइंग लाइन ऑफ द बिजनेस, कि आपकी एक बिजनेस लाइन है उसमें आपने बहुत सारे क्या करे प्रोडक्ट को बंद कर दिया, तो वो अकेला आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। शिफ्टिंग ऑफ सम प्रोडक्शन और मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑफ अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, कि आप अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को मार्केटिंग एक्टिविटीज को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर लेके जा रहे हो, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया लेके जा रहे हो, तो वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। एंड क्लोजिंग ऑफ फैसिलिटी टू अचीव प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स एंड अदर कॉस्ट सेविंग, कि भाई आपकी कॉस्ट सेविंग टेक्निक्स वगैरह थी या कुछ प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट टेक्निक्स थी उनको आपने क्या करा शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया। तो ये चार एक्टिविटी आपके इंडिविजुअली डीसीओ नहीं बनेंगी, लेकिन अगर आप किसी और सर्कमस्टांस के साथ इसे कंबाइन कर दो तो फिर वो डीसीओ का क्राइटेरिया फुलफिल कर लेंगी। एग्जाम्पल इन रिलेशन टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सेलिंग अ सब्सिडरी हुज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट और अदर सब्सिडरीज। वो कह रहा है कि अगर मान लो आपने कोई आप पेरेंट कंपनी हो और आपने अपनी सब्सिडरी को बंद कर दिया, ठीक, जिसका बिजनेस आपके जैसा ही है या कुछ मल्टीपल सब्सिडरीज का बिजनेस आपस में एक जैसा है, आपने उनको बंद कर दिया, तो उनको बंद करना, उनको शट डाउन करना, उनको डिस्पोज ऑफ करना आपका डीसीओ नहीं कहलाएगा। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना है, क्लियर। चलिए जी, नेक्स्ट आता है AS 26, इनटेंजिबल एसेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट AS है। AS 26 क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है, AS 26 आ सकता है इस बार। एक बार मैं एनालिसिस देखूं, हमने कुछ एनालिसिस जो बनाया था उसको देखते हैं क्या बनाया था। तो मैंने एनालाइज कर रखा है इन चार में से, इन हाँ तीन, मैंने तीन क्वेश्चन एनालाइज कर रखे हैं। AS 20 एनालाइज कर रखा है, AS 22 एनालाइज कर रखा है और AS 26। अकॉर्डिंग टू मी AS 20 का क्वेश्चन आ सकता है, AS 22 आ सकता है और AS 26 आ सकता है। 20 तो पिछली बार वैसे आ गया था, तो 20 नहीं आया तो 24 भी आ सकता है, क्योंकि 24 पिछली बार नहीं आया था, बाकी 24 इतना आता नहीं है, कम ही आता है। ठीक, बाकी AS 22 पिछली बार नहीं आया तो आएगा सर, AS 26 तो जनरली हमेशा ही आता है, तो AS 26 आप मान के चलो आ ही जाएगा। ठीक, AS 26 तो आता ही आता है। ठीक, तो 20, 22, 26 ये मुझे ज्यादा लग रहा है, बाकी चारों में से तीन क्वेश्चन, दो या तीन क्वेश्चन तो मिल जाएंगे आपको एग्जाम में। आओ जी AS 26 का क्वेश्चन देखते हैं। PQR लिमिटेड हैज एक्वायर्ड अ ब्रांड फ्रॉम अनदर कंपनी फॉर ₹100 लाख। ठीक है सर, एक ब्रांड नेम खरीदा है ₹100 लाख का। PQR लिमिटेड कंटेंट्स दैट सिंस द सेड ब्रांड इज वेरी पॉपुलर एंड अ फेमस ब्रांड नो अमोर्टाइजेशन नीड्स टू बी प्रोवाइडेड, कमेंट इन लाइन विद दिस AS। ठीक है सर, ब्रांड और जहां भी इंटेंजिबल एसेट दिखे तो AS 26 लग रहा है। ठीक, तो वो कह रहा है कि हमने ₹100 लाख का एक ब्रांड खरीदा और कंपनी को लगता है कि क्योंकि ब्रांड काफी पॉपुलर है, फेमस है, तो उसको अमोर्टाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या कंपनी ठीक कह रही है? नहीं सर, AS 26 ऐसा कहता है कि अगर आपका कोई इंटेंजिबल एसेट है तो उसको अमोर्टाइज करना आपको जरूरी है। ठीक, उसके लिए आपको यूजफुल लाइफ 10 साल से ऊपर नहीं लेनी है, 10 साल तक ही लेनी है। और गुडविल के केस में आपका AS 14 लग जाता है, गुडविल के केस में आपको गुडविल की जो लाइफ है वो 5 साल ही लेनी है, तो आपको अमोर्टाइजेशन तो करना उसका पड़ेगा। लो जी, AS 26 intangible assets provides that an intangible asset should be measured initially at cost. After initial recognition, an intangible asset should be carried at cost less accumulated amortization.
ये प्रेजेंटेशन का तरीका है। कैसे आप इंटेंजिबल एसेट को बुक्स में दिखाओगे, जैसे आप पीपीई को दिखाते हो वैसे इसको भी दिखाना है। पीपीई को भी आप कैसे दिखाते हो, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहां पर भी कैसे दिखाओगे इंटेंजिबल एसेट को, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एंड एनी एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, कि अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस है तो उसको भी प्रोवाइड कर देना। द अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट शुड बी एलोकेटेड ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस ओवर द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ फॉर कंप्यूटिंग अमोर्टाइजेशन, कि जो अमाउंट है उसको आप एक सिस्टमैटिक बेसिस पे एक बेस्ट यूजफुल लाइफ का एस्टिमेट लेकर आप उसे क्या करोगे, उसके अमाउंट को एलोकेट करोगे। देर इज अ रेप्यूटेबल प्रेजम्पशन दैट यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट विल नॉट एक्सीड 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट वेन एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, कि जिस दिन से एसेट इज रेडी फॉर यूज, अवेलेबल फॉर यूज, वहां से आपको 10 साल तक की, इसकी मैक्सिमम 10 साल तक की लाइफ लेनी है। इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट वैल्यू ऑफ ब्रांड इज अमोर्टाइज इन अकॉर्डेंस विद एस 26 एंड ब्रांड इज कंसिडर्ड टू बी इंटेंजिबल एसेट। द कंडीशन ऑफ पीक्यू आर लिमिटेड दैट ब्रांड इज वेरी पॉपुलर एंड फेमस, हेंस नो अमोर्टाइजेशन नीड्स टू बी प्रोवाइडेड इज नॉट करेक्ट एज देर इज नो परसुएसिव एविडेंस दैट द यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट विल एक्सीड 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन अ बिजनेस ऑफ न्यूज़पेपर एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है जी, इट ऑपरेट्स थ्रू डिफरेंट ब्रांड नेम्स, ठीक है सर, न्यूज़पेपर वगैरह का, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह का काम है उसका, उसके कई सारे ब्रांड नेम भी है। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021 इट इनकर्ड सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड ब्रांडिंग एक्सपेंस बाय पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव। कंपनी ने क्या करा, काफी अमाउंट बिजनेस कम्युनिकेशन वगैरह पे, कुछ ब्रांडिंग एक्सपेंस पे खर्च कर दिया, कुछ सीएसआर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके, कुछ भाई सोशल इवेंट वगैरह करके, तो उसने अपनी ब्रांडिंग कर ली। होता है ना कि भाई आपने देखा होगा कहीं सोशल इवेंट हो रहा है, वहां पर कोई कंपनी आकर अपनी ब्रांडिंग कर लेती है, तो वहां पर उसने क्या करा, काफी खर्चा कर दिया, कई करोड़ों रुपए लेट से खर्च कर दिए होंगे। द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू बेनिफिट by these expenditure by attracting new customer over a period of time and accordingly it has capitalized the same under brand development expense and intends to amortize the same over the period in which it expect to benefit the flow। वो कह रहा है कंपनी को लगता है कि भाई इस खर्चे से कंपनी के पास नए कस्टमर आ सकते हैं, तो इस खर्चे की वजह से कंपनी के पास नए कस्टमर आ सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो कंपनी ने क्या करा, इस सारे खर्चे को कैपिटलाइज कर दिया और इसे अमोर्टाइज करना स्टार्ट कर दिया। कब तक, जब तक उसे लगता है कि कस्टमर बेनिफिट उसका मिल सकता है। एज द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी डू यू कंकर दिस व्यूज, यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन इन लाइन विद द प्रोविजन ऑफ एएस। सर, एएस 26 के अकॉर्डिंग इनटेंजिबल एसेट्स को आप कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज करते हो, इनिशियली एट कॉस्ट, ठीक, और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या कहता है कि सर आप इनटेंजिबल एसेट को तभी रिकॉर्ड करोगे जब एंटरप्राइज को लगता है कि उसकी वजह से उसको फ्यूचर में बेनिफिट्स का फ्लो होगा, बेनिफिट्स होंगे, ठीक, और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। जैसे पीपी का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, वैसे यहां पर इंटेंजिबल एसेट्स का भी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सेम है। लेकिन अगर आप इस खर्चे की बात करो तो सर इस खर्चे की वजह से कोई नया इंटेंजिबल एसेट तो जनरेट हो ही नहीं रहा, इस खर्चे की वजह से कोई नया इंटेंजिबल एसेट तो जनरेट हो ही नहीं रहा, तो हाउ वुड यू कैपिटलाइज, तो इसे आप कैपिटलाइज नहीं करोगे, इसे आप नॉर्मल एक्सपेंस ऑफ कर दोगे, बिकॉज देर इज नो इंटेंजिबल एसेट जनरेटिंग बाय इनकरिंग दीज एक्सपेंसेस, ठीक है जी। लीजिए, एज पर एस 26 ऑन इंटेंजिबल एसेट एक्सपेंडिचर ऑन इंटेंजिबल आइटम शुड बी रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस वेन इट इज इनकर्ड unless it form past part of cost of an intangible asset that meets the recognition criteria। वो कह रहा है खर्चे को आप तब तक capitalize नहीं करोगे जब तक आपको वो लगता है कि भी intangible asset की cost का part बन रहा है और recognition criteria को meet कर रहा है। An intangible asset should be recognized if and only if it is probable that future economic benefit that are attributable to the asset will flow to the enterprise, कि future economic benefit होंगे, and the cost of the asset can be measured reliably। In the given case, no intangible asset or other asset is acquired or created that can be recognized। भाई कोई नया asset तो incur हुआ ही नहीं है, कोई नया asset तो create हुआ ही नहीं है। The accounting treatment by the company to amortize the entire expenditure over the period in which it expects to benefit to flow is not correct, and the same should be debited to P&L account during the 31st 3 21। Clear?
तो ये था सर हमारा May 22 का RTP। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट November 21, ये वीडियो थोड़ी बड़ी रहेगी क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव इन चारों ईयर्स को खत्म कराना है, तो थोड़ी बड़ी रहेगी। लो जी AS20 EPS। क्वेश्चन नंबर 18A। एबी लिमिटेड इज अ कंपनी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इक्विपमेंट एज पर द टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट एंटर्ड विद इट्स डिबेंचर होल्डर्स। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू एप्रोप्रिएट एडिक्वेट पोर्शन ऑफ इट्स प्रॉफिट्स टू अ स्पेसिफिक रिजर्व ओवर द पीरियड ऑफ मेच्योरिटी ऑफ डिबेंचर सच दैट एट द रिडेम्पशन डेट द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ सच डिबेंचर। सर DRR बना दिया, DRR बना रहे हैं वो, सिंपल सी बात ये हो रही है यहाँ पर। वो कह रहा है सर कंपनी है इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इक्विपमेंट वगैरह बनाती है, तो उनका डिबेंचर होल्डर के साथ एग्रीमेंट हुआ और कंपनी का ऐसा कहना है कि हम हर साल अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा एक रिजर्व में डाल देंगे और वो रिजर्व का क्या होगा, मेच्योरिटी ऑफ डिबेंचर तक इतना अमाउंट उसमें इकट्ठा हो जाएगा कि वो हाफ ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर के बराबर होगा। ठीक है जी, मतलब DRR ही है एक तरीके से। एज सच एप्रोप्रिएशन आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि सर DRR आप इक्विटी शेयर होल्डर में एज अ डिविडेंड बांट नहीं सकते, तो कंपनी एक्सक्लूडेड दिस फ्रॉम न्यूमरेटर इन कंप्यूटिंग बेसिक ईपीएस। न्यूमरेटर क्या होता है सर, नेट प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल इक्विटी शेयर होल्डर। तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट और लॉस निकालते समय क्या करा, इस DRR को क्या करा, एक्सक्लूड कर दिया। इज दिस ट्रीटमेंट करेक्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ AS20? क्या ट्रीटमेंट करेक्ट है, गलत सर। नेट प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर निकालने के लिए आपको सिर्फ दो ही चीजें माइनस करनी है, प्रेफरेंस डिविडेंड एंड एनी डिविडेंड टैक्स देयर ऑन। भाई क्या होता है सर, फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस किया, फिर टैक्स लेस किया, अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाता है, उसमें से आप लेस करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड और एनी डिविडेंड टैक्स देयर ऑन, फिर जो पैसा बचता है वो सारा का सारा किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, उसको बोलता है नेट प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो उसमें कोई और रिजर्व आप अप्रोप्रिएट कर रहे हो तो वो लेस नहीं होंगे, वो सारा का सारा नेट प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर रहेगा फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस। ये AS20 में लिखा हुआ है। तो कंपनी ने अगर ये रिजर्व को हटा दिया है, इसकी अप्रोप्रिएशन को हटा दिया है, तो वो गलत किया है। सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड और उसका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो भी, जो कि अब खत्म हो गया है, अब DDD होता भी नहीं है, तो वही आपका क्या होगा, लेस होगा, और कुछ भी आप लेस उसमें नहीं करोगे। आओ जी आंसर देखते हैं। लो जी, द एप्रोप्रिएशन मेड टू सच अ मैंडेटरी रिजर्व क्रिएटेड फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर वुड बी इंक्लूडेड इन द नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक ईपीएस। AS20 states that for the purpose of calculating basic EPS, the net profit or loss for the period attributable to equity shareholder should be net profit or loss for the period after deducting preference dividend and any attributable tax thereto for that period. With an emphasis on the phrase attributable to equity shareholder, it may be construed that such amount appropriated to mandatory reserve though not available for distribution as dividend are still attributable to equity shareholder. भले ही आप dividend मत बात हो, लेकिन है तो equity shareholder का ही पैसा। भाई सिंपल सी बात है, कोई भी रिजर्व भले ही आप डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, लेकिन है तो इक्विटी शेयर होल्डर का ही पैसा ना, उन्हीं के प्रॉफिट से ही तो आप बना रहे हो, तो वो नेट प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर की डेफिनेशन में आ जाएगा। Accordingly, these amount should be included in computation of basic EPS. In view of this, treatment made by the company is not correct. ठीक है जी, नेक्स्ट AS22, टैक्सेस ऑन इनकम। कैन एन एंटरप्राइज ऑफसेट डेफर टैक्स एसेट एंड डेफर टैक्स लाइबिलिटीज, इफ यस
प्रिस्क्राइब द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर सच ऑफसेट एज पर AS 22। क्या कंपनी अपनी बैलेंस शीट में, मान लो DTA भी आ रहा है, DTL भी आ रहा है, तो क्या उनको ऑफसेट कर सकती है, उनको एडजस्ट कर सकती है? कर सकती है इफ टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहली कि एंटरप्राइज के पास क्या है, लीगली एनफोर्सेबल राइट है टू सेट ऑफ दीज DTA DTL, और दूसरा कि जो DTA DTL जो बनाए गए हैं वो सेम गवर्निंग लॉ, जो सेम टैक्स लॉ है, सेम इंडियन जो टैक्स लॉ है उसी के हिसाब से बनाए गए हो। ऐसा ना हो कि DTA किसी और टैक्स लॉ के हिसाब से बनाए, DTL किसी और टैक्स लॉ के हिसाब से बनाए। अगर दोनों का जो लॉ, क्रिएटिंग लॉ जो है वो सेम है तो वो ऑफसेट हो सकता है। और दूसरा, एंटरप्राइज के पास एक लीगली एनफोर्सेबल राइट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ऑफसेट ऑफ दीज टू आइटम्स। तो ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है, ऑफसेट कर सकते हैं? यस, इट कैन ऑफसेट DTA DTL एज पर AS 2। एन एंटरप्राइज should offset DTA DTL if, पहली condition, the enterprise has legally enforceable right to set off asset against liability representing current tax and the DTA and DTL relate to taxes on income levied by same governing taxation law। कि भाई लॉ जो होने चाहिए, जो DTA DTL बनाने वाले लॉ है वो सेम होने चाहिए। सेम ही होंगे सर, इंडिया में तो इनकम टैक्स एक्ट, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट ही चलता है। ओके, देन AS 24 DCO क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आंसर मैंने आपको अगर सेम होगा तो पढ़ा दिया। व्हाट आर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एज पर AS 24, ये पढ़वा देता हूं आपको। शुड एन एंटरप्राइज इंक्लूड प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू DCO इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन हमें पढ़ना पड़ेगा, ये क्वेश्चन एक नया है, DCO क्या होता है उसके बारे में। तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं। लो जी, अ DCO इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ एंटरप्राइज। डेफिनेशन अच्छे से याद करना, इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ एंटरप्राइज दैट द एंटरप्राइज पर्सुएंट टू अ सिंगल प्लान इज डिस्पोजिंग ऑफ। भाई DCO कब होगा? इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ एंटरप्राइज जिसपे एंटरप्राइज ने क्या कर रखा है, एक प्लान बना रखा है। किस चीज का प्लान बना दिया? डिस्पोजिंग ऑफ सब्सटेंशियली इन इट्स एंटायरिटी सच एज बाय सेलिंग द कॉम्पोनेंट इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन और बाय डी मर्जर। कि भाई अपने एसेट्स वगैरह को, बिजनेस वगैरह को बेच रहे हैं, डी मर्जर हो रहा है, स्पिन ऑफ हो रहा है ऑफ ओनरशिप ऑफ द कॉम्पोनेंट टू द एंटरप्राइज शेयर होल्डर। की भाई शेयर होल्डर की जो ओनरशिप है वो जा रही है। या फिर डिस्पोजिंग ऑफ पीस मिल टुकड़ों में बाय सेलिंग ऑफ कॉम्पोनेंट एसेट एंड सेटिंग लाइबिलिटी इंडिविजुअली। कि भाई टुकड़ों में क्या हो रहा है, एसेट को बेच रहे हो, लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहे हो, अगर ऐसा काम करना शुरू कर दिया। या फिर टर्मिनेटिंग थ्रू अबैंडनमेंट, शट डाउन कर दिया। ठीक, सिंगल प्लान के थ्रू अगर कंपनी ने ऐसा प्लान बना रखा है तो। एंड, अच्छा ये प्लान जो होना चाहिए वो अप्रूव प्लान होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं, ये स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं होता। ठीक, ये आपका एक प्रॉपर अप्रूव्ड प्लान होना चाहिए, स्पेसिफिक प्लान होना चाहिए। तो पहले तो ऐसा प्लान होना चाहिए, इनमें से किसी भी एक्टिविटी के ऊपर प्लान हो। एंड दैट रिप्रेजेंट्स सेपरेट मेजर लाइन ऑफ द बिजनेस और ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द ऑपरेशन। कि भाई कंपनी का मेजर बिजनेस लाइन हो वो चीज, या मेजर एक ज्योग्राफिकल एरिया हो। ऐसा ना हो कि छोटी मोटी, भाई कंपनी छोटी मोटी एक्टिविटीज को तो बंद करती रहती है, तो छोटी मोटी एक्टिविटीज बंद करना, छोटे मोटे बिजनेसेस को बंद करना, इट इज नॉट अ DCO। एक मेजर बिजनेस लाइन होनी चाहिए या एक मेजर ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए। एंड दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। कि आप उसे अलग कर सकते हो, उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह को अलग कर सकते हो, उसकी रिपोर्टिंग अगर अलग से हो सकती है तो वो एक DCO कहलाएगा। अब एंटरप्राइज को क्या क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी है इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अ DCO। एन एंटरप्राइज शुड इंक्लूड प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ DCO इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ AS 24, बिगिनिंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड इन विच इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट अकर्स। क्या क्या इंक्लूड करनी है इन्फॉर्मेशन, वो सर डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट है वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक, और कब से इंक्लूड करनी है, इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड इन विच इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट अकर्स। जब इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हो जाता है उस फाइनेंशियल पीरियड से कंपनी को क्या करना पड़ेगा, DCO की भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ठीक है जी, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अब आपको मैंने तीनों क्वेश्चन करा दिए, DCO का मीनिंग भी करा दिया, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ DCO भी करा दी, और जो वो एक्टिविटीज थी दैट डू नॉट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ए ऑफ पैरा 3 वो भी करवा दी। ठीक, तो ये तीन ही क्वेश्चन आपको याद करने हैं। नेक्स्ट AS 26, अ कंपनी इज शोइंग इनटेंजिबल एसेट एट 88 लाख ऑन 1st April 2021। ठीक है, कंपनी की बुक्स में एक इंटेंजिबल एसेट आ रहा है कितने पे, 88 लाख पे।
दिस असेट वॉज एक्वायर्ड फॉर 120 लैक्स ऑन 1 अप्रैल 2017 एंड द सेम वॉज अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम दैट डेट. 120 लाख का कंपनी ने एसेट एक्वायर किया था 1 अप्रैल 2017 को. द कंपनी हैज बीन फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ द इंटेंजिबल एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स ऑन स्टेटलाइन में से. गड़बड़ी होगी सर. कंपनी क्या कर रही है, एसेट को अमोर्टाइज कर रही है 15 साल की लाइफ लेकर. गलत है सर, मैक्सिमम 10 साल ले सकते हो. कमेंट ऑन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव विद रेफरेंस टू रेलेवेंट एज. गलत है सर, कंपनी का ट्रीटमेंट गलत है. कंपनी को अपनी बुक वैल्यू रिवाइज करनी पड़ेगी, 15 साल की लाइफ नहीं ले सकते. अब बताओ बुक वैल्यू कैसे रिवाइज होगी, कितनी होगी पहले तो ये देख लेते हैं. देखो सर, कंपनी ने 1/4/17 को एसेट खरीदा था कितने का, 120 लाख का. हम खड़े हैं 1/4/2021 पे, ठीक. तो कितने साल हो गए, 4 साल हो गए. तो 120 लाख डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4 तो कितना हो गया ये आपका, 48 लाख का अमोर्टाइजेशन हो गया. तो 120 में से 48 लाख लेस कर दो. 120 में से अगर 48 लाख अगर आपने लेस करे तो कितना अमाउंट आएगा, ₹72 लाख. तो आपको 1/4/21 पे जो एसेट की बुक वैल्यू दिखानी है वो कितनी दिखानी है, 72 लाख. लेकिन आप कितनी दिखा रहे हो, 88 लाख. तो आपको बुक वैल्यू रिवाइज करनी पड़ेगी. बुक वैल्यू कम करने के लिए, बुक वैल्यू कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने रेवेन्यू रिजर्व, जो आपका कोई रिजर्व वगैरह होगा, कोई जनरल रिजर्व वगैरह पड़ा है, उसमें से अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हो. कितना रिजर्व आपका कम हो जाएगा, आपका रिजर्व कम हो जाएगा 16 लाख रुपए का. 16 लाख का आपको रेवेन्यू रिजर्व कम करना पड़ेगा. मान लो कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है या कोई जनरल रिजर्व वगैरह है तो उससे कोई यूज कर सकते हो. एज पर एस 26 इंटेंजिबल एसेट्स द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट शुड बी एलोकेटेड ऑन सिस्टमैटिक बेसिस ओवर द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ. देर इज अ रेपुटेबल प्रिजम्पशन दैट द यूजफुल लाइफ ऑफ द इंटेंजिबल एसेट विल नॉट एक्सीड 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट वेन एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज. तो मैक्सिमम आप कितनी लाइफ ले सकते हो, 10 ईयर्स की आप लाइफ ले सकते हो. Company has been following the policy of amortization of intangible asset over a period of 15 years on straight line basis. Company गलत कर रही है, 15 साल की life लेके काम कर रही है. The period of 15 साल is more than a maximum period of 10 years specified as per AS 26. Accordingly, the company would be required to restate the carrying amount of intangible asset as on 1/4/21 at 72 lakh. कैसे निकले, 120 lakh less 48 lakh, 48 lakh इस तरीके से निकल गया. The difference of 16 lakh, 16 lakh का जो difference आया, will be adjusted against the opening balance of the revenue reserve. The carrying amount of 72 lakh will be amortized over remaining 6 years by amortizing 12 lakh per year. बाकी बचे जो 72 lakh है, वो अगले 6 साल में आप write off करोगे. और हर साल कितना कितना write off होगा आपका, 12-12 लाख रुपए write off हो जाएगा. ठीक, clear है? तो this was your November 21. Come to May 21 पे आओ. लो जी, EPS. In the following list of shares issued for the purpose of calculating weighted average number of shares, from which date weight is to be considered? कि आपको weighted average outstanding shares चाहिए होते हैं denominator में, उसके लिए weight के लिए आपको कौन सी date चाहिए, कब से calculate करना start करोगे? पहला, equity share issued in exchange of cash. कि sir, date when cash is received, receivable लिख दो basically, cash is receivable. कि जब आप कैश आपका रिसीवेबल हो जाएगा तब से आप क्या करोगे, अपना वेट चेक कर कैलकुलेट करने शुरू कर दोगे. देन क्योंकि आपको टाइम पीरियड लेना होता है. इक्विटी शेयर इशूड एज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, तो डेट ऑफ कन्वर्जन लोगे यहां पर. इक्विटी शेयर इशूड इन एक्सचेंज ऑफ सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज. ऑब्लिगेशन एंड्स, जब आपकी ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगी तब से. इक्विटी शेयर इशूड फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विस टू द एंटरप्राइज, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, डेट ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. इक्विटी शेयर इशूड इन लियो ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल
ऑफ एन अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कि भाई कहीं पर आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था, आपने उसके बदले में अपने शेयर इशू कर दिए, तो व्हेन इंटरेस्ट सीजेस टू एक्रू, इंटरेस्ट लगना बंद हो गया, उस डेट से आप क्या करोगे, वेट कंसिडर करने शुरू करोगे. इक्विटी शेयर इशूड एज कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट अदर देन कैश देन डेट ऑफ एक्विजिशन. ठीक है जी, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. बुझी, पहला कहता है कि डेट ऑफ कैश रिसीवेबल था कैश के लिए, कन्वर्जन वाले के लिए डेट ऑफ कन्वर्जन था, लाइबिलिटी वाले के लिए लाइबिलिटी सेटल करने के लिए डेट ऑन विच सेटलमेंट बिकम इफेक्टिव, सर्विसेज वाले में व्हेन सर्विसेज आर रेंडर्ड, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के लिए आपका था डेट व्हेन इंटरेस्ट सीजेस टू एक्रू, इंटरेस्ट लगना बंद हो गया, और जब आपने कंसिडरेशन अदर देन कैश में था तो डेट ऑन विच एक्विजिशन इज रिकॉग्नाइज. ठीक है सर, ओके. एस 22, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्लेट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/19. डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स इज 280, डेप्रिसिएशन फॉर टैक्स पर्पस इज 190. द अबव डेप्रिसिएशन डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑन न्यू एडिशन. इसमें कोई नए एडिशन का नहीं है, पुराना एडिशन है, कि भाई बुक्स के हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन है 280 और इनकम टैक्स में आपको सिर्फ 190 अलाउ हो रहा है. हाँ जी, इनकम टैक्स में आपका क्या हो रहा है, 190 ही अलाउ हो रहा है. तो ये तो पुराने एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता चला आ रहा है, ये तो पुराने एसेट का डेप्रिसिएशन है, तो यहां पर कोई डिटेल क्रिएट नहीं होगा, रिवर्सल होगा. कैसे, कि सर बुक्स के हिसाब से तो 280 है, इनकम टैक्स में 190 है, तो इनकम टैक्स में आपको डेप्रिसिएशन कम मिला है, कम मिला है तो आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा होगी, टैक्सेबल इनकम ज्यादा है तो आपने क्या करा होगा सर, टैक्स ज्यादा पे किया होगा, टैक्स ज्यादा पे किया है तो आपका डीटीए बनना चाहिए, लेकिन आपका पहले क्या होगा, डीटीएल बना होगा, तो आपको रिवर्सल ऑफ डीटीएल. क्या बोलोगे आप यहां पर, रिवर्सल ऑफ डीटीएल. साथ साथ चेक करते हैं, लो जी, डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन जनरली रिटन डाउन वैल्यू मेथड इज फॉलोड, डेप्रिसिएशन इज अडॉप्टेड अंडर आईटी एक्ट विच लीड्स टू हायर डेप्रिसिएशन इन अर्लियर इयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इन कंपैरिजन टू लेटर इयर्स. कि भाई WDV फॉलो होता है, तो ये रिस्पॉन्डिंग टाइमिंग डिफरेंस है, तो रिवर्सल ऑफ डिटेल कितना, जो आपका डिफरेंस था 280 माइनस 190 कितना हो गया आपका 90 का 40%, टैक्स रेट इज 40% होगा, तो ये हो गया आपका 36,000. रिवर्सल ऑफ डीटीएल, डीटीएल रिवर्स करोगे तो एंट्री क्या डालेगी, डीटीएल टू पीएनएल. आगे देखो, एक नई मशीनरी आपने खरीदी है ऑन 1st April 2018 हमारे करंट पीरियड में, कॉस्टिंग 120, ऑन विच 100% डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन द फर्स्ट ईयर फॉर द टैक्स पर्पस. कि सर इनकम टैक्स कह रहा है कि पहले साल में ही पूरा डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, वेयर एज स्ट्रेट लाइन मेथड इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर अकाउंटिंग पर्पस विद अ लाइफ एस्टिमेशन ऑफ 4 years. लेकिन अकाउंट्स में हम क्या करेंगे, 120 को 4 साल में राइट ऑफ करेंगे, तो यानी कि हर साल 30,000 रुपए राइट ऑफ करेंगे, इनकम टैक्स में पूरा मिलेगा आपको. ठीक, तो ये आप पहली बार हो रहा है, तो यहां पर क्रिएशन होगा, अमाउंट डिफरेंस है 90,000 का, टाइमिंग डिफरेंस है, बट डिफरेंस तो टाइमिंग है, कि इनकम टैक्स में तो आपको पूरा भी मिल गया और अकाउंट्स में आपका अगले 4 साल में जाएगा, तो ये तो टाइमिंग डिफरेंस है. अब इनकम टैक्स में अगर आपको पूरा मिल गया डेप्रिसिएशन, तो क्या होगा सर, आपकी टैक्सेबल इनकम कम होगी, टैक्सेबल इनकम अगर आपकी कम होगी तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा तो ये डीटीएल बन रहा है, तो आप क्या बोलोगे, क्रिएशन ऑफ डीटीएल. यहां डीटीएल आपकी बन रही है क्योंकि पहली पहली बार ये डिफरेंस आ रहा है. तो देखो, डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीनरी ड्यू टू अलाउंस ऑफ फुल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर आईटी एक्ट, टैक्स पेबल इन द अर्लियर ईयर इज लेस, तो टाइमिंग डिफरेंस, क्रिएशन ऑफ डीटीएल कितना, 120 माइनस 30 का 40% 36,000, तो 36,000 की आपकी डीटीएल बन रही है, और पहले केस में 36,000 की आपकी डीटीएल रिवर्स हो रही थी, तो नेट इंपैक्ट आपका निल आ गया, तो नेट इंपैक्ट आपका डीटीए डीटीएल का क्या हो गया, निल हो गया इसी करंट ईयर में.
ठीक। अब क्या कहता है, कंपनी ने 640 का प्रॉफिट कमाया है बिफोर डिडक्शन एंड टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 40%। प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड 31/21 एंड ऑल्सो शो द इफेक्ट ऑफ अबव आइटम ऑन डीटीए डीटीएल एज पर AS 22। तो इफेक्ट तो हमने बता दिया, अब इसका एसपीएल बना लेते हैं। देखो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में प्रॉफिट बिफोर डेप्शन एंड टैक्सेस 640। अब डेप्रिसिएशन कितना होगा भाई, लेस तो आप अकाउंट वाला करोगे, अकाउंट्स में कितना डेप्शन आपको मिलेगा, लेस कितना करोगे डेप्शन? देखो सर डेप्शन लेस होगा एक तो 280, और इनकम टैक्स में ये जो नई एसेट खरीदी है इसका 30,000, तो 280 और 30 आपका 3,10,000 का डेप्शन लेस होगा, तो 3,10 लेस हो गया आपका, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बच गया 330। अब आप निकालोगे टैक्स एक्सपेंस, उसमें करंट टैक्स और डेफर टैक्स। डेफर टैक्स तो नील है, हमने निकाल लिया अभी, डेफर टैक्स तो नील है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, तो ये तो नील हो गया। करंट टैक्स के लिए आपको देखना पड़ेगा टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कैसे निकालोगे, प्रॉफिट बिफोर डेप्शन टैक्स 640, डेप्रिसिएशन फॉर टैक्स पर्पस, टैक्स पर्पस में 190 था और नई एसेट पे पूरा 120 था, तो 3,10,000, तो टैक्सेबल इनकम भी सेम आ रही है आपकी, तो टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स कितना हो गया, करंट टैक्स 40%, 132, तो 132 लेस किया आपने, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी 198। ये आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है जी, क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर डीटीए एंड डीटीएल इन द बैलेंस शीट एज पर AS 22। सर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बता दो, क्या क्या बातें आपको डिस्क्लोज करनी रहेंगी? कहां गया? लो, द ब्रेकअप ऑफ डीटीए एंड डीटीएल इंटू मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ रिस्पेक्टिव बैलेंस शुड बी डिस्क्लोज इन द नोट्स टू अकाउंट। भाई आपको डीटीए डीटीएल की कैलकुलेशन बतानी पड़ती है कि कैसे आप डीटीए डीटीएल बना रहे हो। डीटीए एंड डीटीएल शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द एसेट्स एंड लायबिलिटी रिप्रेजेंटिंग करंट टैक्स फॉर द पीरियड। कि आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करंट टैक्स के अलावा डीटीए डीटीएल अलग से दिखाना पड़ता है। भाई डेफर टैक्स अलग से दिखाते हो आप। डेफर टैक्स एंड लायबिलिटी शुड बी डिस्क्लोज अंडर सेपरेट हेडिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द एंटरप्राइज सेपरेटली फ्रॉम करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। कि आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डीटीए डीटीएल अलग से दिखाना है, करंट एसेट के अंदर मिक्स नहीं करोगे, अलग से आइटम होती है, उसका शेड्यूल ही अलग होता है, अलग से आइटम होती है वो। द नेचर ऑफ एविडेंस सपोर्टिंग द रिकॉग्निशन ऑफ डीटीए शुड बी डिस्क्लोज। कि अगर आप कोई डीटीए बना रहे हो तो उसके लिए भाई डीटीए डेफर टैक्स एसेट अगर आपका कोई बन रहा है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक वर्चुअल सर्टेनिटी चाहिए होती है, उसका एक कंक्लूसिव एविडेंस ये होता है। अगर वो डीटीए किससे रिलेटेड है, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्शन और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, कि भी आपको लगता है कि आपके लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं और आपको फ्यूचर में लगता है कि भी प्रॉफिट हो सकता है, तो उसका आपको एक कंक्लूसिव एविडेंस देना पड़ेगा, तभी आप डीटीए बनाओगे उसका, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्शन का और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं कि अगर आप अनअब्सॉर्ब्ड डेप्शन और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के ऊपर डीटीए बना रहे हो तो उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, कंक्लूसिव एविडेंस होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए, कंक्लूसिव एविडेंस होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ वर्चुअल सर्टेनिटी, ठीक है। नेक्स्ट, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा, हम पढ़ चुके हैं। आरजू लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ पैसेंजर कार्स एंड कमर्शियल व्हीकल। द कंपनी इज वर्किंग ऑन अ स्ट्रेटेजिक प्लान टू शिफ्ट फ्रॉम पैसेंजर कार सेगमेंट टू कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ओवर कमिंग 5 ईयर। कि ग्रेजुअली कंपनी क्या कर रही है, अपने प्रोडक्ट लाइन को शिफ्ट कर रही है। हाउएवर नो स्पेसिफिक, और इसका प्लान बनाया स्ट्रेटेजिक प्लान है, स्ट्रेटेजी है कंपनी की, कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं बनाया टू सेल द एसेट्स वगैरह या डिवीजन वगैरह को बेचने का। एज अ पार्ट ऑफ इट्स प्लान इट हैज प्लान्ड दैट इट विल रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ पैसेंजर कार बाय 20% एनुअली। कंपनी ने एक स्ट्रेटेजिक प्लान में बोला कि हम हर साल 20-20% पैसेंजर कार को बनाना 20-20% कम कर देंगे। इट ऑल्सो प्लान्स टू कमेंस अनदर न्यू फैक्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कमर्शियल व्हीकल प्लस ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज इन अ फेज्ड मैनर। और कंपनी ने क्या करा कि एक नई फैक्ट्री सेटअप करने का भी प्लान है, और उसमें क्या करेगी कंपनी, कमर्शियल व्हीकल्स की प्रोडक्शन बढ़ा देगी, पैसेंजर कार वो बंद करना चाह रहे हैं, इसका एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया है। और कंपनी क्या करेगी, जो अपना पैसेंजर कार में एम्प्लॉयज है उनको शिफ्ट कर देगी टू द कमर्शियल व्हीकल्स। दीज प्लान्स हैव नॉट अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ने अभी अप्रूव नहीं किया। एंड द न्यू फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कमर्शियल व्हीकल हैव नॉट बीन स्टार्टेड, फैक्ट्री नहीं स्टार्ट भी नहीं हुई है, एक प्लान ही बनाया।
you are required to comment if mere gradual phasing out in itself can be considered a DCO within meaning of AS24. Sir, ये उन चार activity में यहाँ से आ गया. उन चारों activity में पहली activity यही थी, gradual phasing out of a product line. तो ये individually criteria A of para 3 meet नहीं करती हैं, लेकिन अगर किसी circumstance के साथ आ जाता है तो ये criteria meet करेंगी. और यहाँ पर तो एक strategic plan की बात हो रही है, यहाँ पर कोई specific plan ऐसा है ही नहीं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई प्लान को अपना अप्रूव भी नहीं किया, तो ये डीसीओ आपका बनेगा ही नहीं. तो उन चार एक्टिविटी के ऊपर ही आपको एक्सप्लेन करना है. मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो, ये चारों एक्टिविटीज का उसने यहां पर एग्जांपल दिया. ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन आ गया आपका. और लास्ट में क्या कह रहा है, इन द व्यू ऑफ अबव मेयर ग्रेजुअल फेसिंग आउट इट सेल्फ कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डीसीओ. द कंपनीज स्ट्रेटेजिक प्लान ऑल्सो हैज नो फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड through a resolution and there is no specific time bound activities like shifting of assets and bhai company ne ek strategy banayi hai, koi ek specific plan nahi bana rakha. Moreover the new segment that is commercial vehicle product line in the new factory has not been started. theek hai ji. next 26 AS 26. Naresh limited had the following transition during the financial year 1920. ये तीन ट्रांजेक्शन हुई है. पहला, नरेश लिमिटेड एक्वायर्ड रनिंग बिजनेस ऑफ सुनील लिमिटेड फॉर ₹10,80,000 ऑन 15 मई 2019. फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इज 5,16,000. 10,80,000 में बिजनेस खरीदा और एसेट्स की जो फेयर वैल्यू है, नेट एसेट्स की जो फेयर वैल्यू है, वो 5,16,000 है. तो 10,80 माइनस 5,16 तो गुडविल आ गई है. तो 564 की क्या आ गई, गुडविल आ गई. नरेश इज ऑफ व्यू दैट ड्यू टू पॉपुलरिटी ऑफ सुनील लिमिटेड प्रोडक्ट इन द मार्केट इट्स गुडविल एक्सिस्ट. वगैरह गुडविल है क्योंकि सुनील की जो प्रोडक्ट की पॉपुलरिटी काफी अच्छी है, तो 564 की गुडविल है. सेकेंड क्या किया, नरेश हैड टेकन अ फ्रेंचाइजी ऑन July 19 टू ऑपरेट अ रेस्टोरेंट फ्रॉम संकल्प लिमिटेड फॉर 180. 180 की एक फ्रेंचाइजी खरीदी है, तो 180 फ्रेंचाइजी कॉस्ट होगी. एंड एट एन एनुअल फी ऑफ 10% ऑफ रेवेन्यू. और वगैरह हर साल वो क्या देगा, उसे रेवेन्यू का 10% देगा टू रिन्यू दैट फ्रेंचाइजी. तो ये फ्रेंचाइजी की कॉस्ट में नहीं जाएगा, ये रिन्यूअल एक्सपेंसर नॉर्मल पीएनएल में डेबिट हो जाएंगे आपके. ठीक, तो इसको मैं पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वो कह रहा है फ्रेंचाइजी एक्सपायर आफ्टर 6 ईयर. फ्रेंचाइजी की लाइफ कितनी है, 6 साल है. रेवेन्यू 60,000 है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, तो 60,000 का 10% 6,000 रुपए ये एनुअल फीस है, पीएनएल में डेबिट होगा. लेकिन इस 180 को आप 6 साल तक अमोर्टाइज करोगे. देन 20 अगस्त को कंपनी ने क्या करा, नरेश लिमिटेड ने क्या करा, 240 का खर्चा किया है टू रजिस्टर द पेटेंट. पेटेंट लिया है और पेटेंट की जो लाइफ एस्टिमेट करी है वो 8 साल है. ठीक है जी, ये सारी चीजें हो गई. तीन चीजें इंटेंजिबल एसेट्स लिए उसने, गुडविल आ गई, फ्रेंचाइजी आ गई और पेटेंट आ गया. नरेश लिमिटेड फॉलोज एन अकाउंटिंग पॉलिसी टू अमोर्टाइज ऑल इंटेंजिबल एसेट्स ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर अ मैक्सिमम पीरियड परमिटेड बाय द एएस टेकिंग फुल ईयर अमोर्टाइजेशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन. कंपनी क्या करती है सर, एएस के हिसाब से, एएस 26 को फॉलो करिए और उसके हिसाब से लाइफ ले रही है. और जिस साल में उसने एसेट को टेक एक्वायर किया है, तो उस साल भी वो पूरे साल का अमोर्टाइजेशन लगाएगी. मतलब प्रोपोर्शनेट नहीं कर रही है, टाइम पीरियड को कंसीडर नहीं कर रही वो. गुडविल ऑन एक्विजिशन ऑफ द बिजनेस इज टू बी अमोर्टाइज ओवर 5 ईयर एज पर AS 14. कि भाई AS 14 के हिसाब से गुडविल को वो 5 साल में अमोर्टाइज करेगा. प्रिपेयर अ शेड्यूल शोइंग इनटेंजिबल एसेट इन सेक्शन ऑफ नरेश लिमिटेड बैलेंस शीट ऑन 31/21. वो कह रहा है कि उसकी बुक्स में, उसकी बैलेंस शीट में इनटेंजिबल एसेट कितने के शो होंगे. सर बता दो, 564 की तो गुडविल थी, इसको 5 साल में अमोर्टाइज करोगे तो कितना अमोर्टाइज कर दिया आपने, 112,800 पे आपने गुडविल अमोर्टाइज कर दी, तो कितनी गुडविल रहेगी, 451,200. फ्रेंचाइजी 180 की थी, 180 को आप क्या करोगे, 6 साल में मोटाइज करोगे, तो 30,000 लेस करें आपने यहां पर, तो कितना रह गया, 150. ठीक है जी, तो ये गुडविल होगी आपकी जी, ये हो गया एफ. और पेटेंट पी की बात करें, 240 का पेटेंट था और पेटेंट आप क्या करोगे, 8 साल में राइट ऑफ करोगे, तो 30,000 राइट ऑफ कर दोगे, तो 210 का पेटेंट रह गया. ठीक, अब आप अपनी बैलेंस शीट में इनटेंजिबल एसेट किस वैल्यू पे शो करोगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये कितना आ जाएगा, 811,200. एक बार चेक करना पड़ेगा, अमाउंट ठीक आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है सर,
811200। ठीक, इसकी बाइफर्केशन गुडविल, फ्रेंचाइजी, पेटेंट, ये इसका नोट है कि गुडविल कैसे निकाली। गुडविल ऑन एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, कैश पेड फॉर एक्वायरिंग द बिजनेस 1080 की बीसी आपकी, फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट इज 516, तो गुडविल कितनी आ गई 564, उसको अमोर्टाइज किया 5 साल में तो 112800, तो बैलेंस टू बी शोन इन द बैलेंस शीट इज 451200। फ्रेंचाइजी 180, अमोर्टाइजेशन 6 साल में 30000, बैलेंस टू बी शोन इन द बैलेंस शीट 150। ऐसे पेटेंट 240, अमोर्टाइजेशन 8 साल में 30000, तो बैलेंस टू बी शोन इन द बैलेंस शीट इज 210। ठीक है जी, बोलो भाई, क्लियर। तो ये था आपका मई 2021। अब आएंगे हम नवंबर 20। आइए जी, नवंबर 20 के आरटीपी पे आते हैं। नवंबर 20, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है पहला ईपीएस के ऊपर। पढ़ो जी, क्या कहता है। A1 लिमिटेड सप्लाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द ईपीएस एज पर AS20। ईपीएस निकालना है आपको। नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ईयर 17-18 का है 1 करोड़, और 18-19 में है 1 करोड़ 50 लाख। अच्छा, जब भी आपको बोला जाए खाली ईपीएस निकालो तो आपको डेटा के हिसाब से काम करना है, और जब भी आपको 2 साल का डेटा दे दिया जाए तो आपको सर बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटिव ईपीएस, और आपको जो पहला साल है उसकी बेसिक ईपीएस को भी रीस्टेट करना होगा। ठीक, डाइल्यूटिव ईपीएस तभी निकालोगे जब आपके सामने पोटेंशियल इक्विटी शेयर आएंगे। ठीक, तो 17-18 में आपके पास 1 करोड़ का प्रॉफिट है, और 18-19 में आपके पास 1 करोड़ 50 लाख का प्रॉफिट है। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट इशू इज 50 लाख शेयर्स। 50 लाख शेयर आपके क्या है, सब प्री राइट शेयर्स है। फिर राइट इशू हुआ आपका, राइट इशू कब हुआ है आपका, 30 जून 18 को, यानी कि 18-19 में हुआ है। तो 18-19 में आपकी डाइल्यूटिव ईपीएस भी निकलेगी, और 18-19 की डाइल्यूटिव ईपीएस की वजह से आपको 17-18 की बेसिक ईपीएस को रीस्टेट भी करना होगा। ठीक, राइट इशू की क्या कंडीशन कह रहा है, 1 न्यू शेयर फॉर ईच 4 शेयर आउटस्टैंडिंग दैट इज 12,50,000, तो 12,50,000 आपके राइट शेयर हो गए। राइट इशू प्राइस इज 96, लास्ट डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग राइट इज 30 जून। ओके, फेयर वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर इमीडिएटली प्रायर टू द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑन 30 जून 18 वॉज 101। तो 101 आपको क्या दे रखा है, आपको प्री राइट प्राइस दे रखा है। ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स राइट प्राइस निकालना पड़ेगा, और एक्स राइट प्राइस निकालने के बाद आप कन्वर्जन फैक्टर निकालोगे। तो पहले तो वो वाला काम करते हैं कि सर कन्वर्जन फैक्टर निकाल लेते हैं। कन्वर्जन फैक्टर, तो देखो जी, कन्वर्जन फैक्टर आपका किस तरीके से निकलेगा। आपको पहले क्या चाहिए, आपको पहले चाहिए एक्स राइट प्राइस, एक्स राइट प्राइस, या थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ शेयर भी बोल सकते हो आप। एक्स राइट प्राइस को थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ शेयर भी बोल सकते हो। तो एक्स राइट प्राइस कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट, तो बिफोर राइट थे आपके 50 लाख शेयर्स, इनटू प्री राइट प्राइस दैट इज 101, प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स दैट इज 12,50,000 इनटू राइट प्राइस, राइट प्राइस था आई थिंक 96, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल हो जाएंगे आपके 50 लाख प्लस 1250 दैट इज 62,50,000। तो आपका एक्स राइट प्राइस कितना आता है, इनटू 96 ये आ जाएगा 100 रुपीज। तो 100 रुपीज का आपका क्या आ गया, एक्स राइट प्राइस आ गया। नाउ कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर आपका क्या रहेगा, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर बिफोर राइट दैट इज 101 डिवाइडेड बाय एक्स राइट प्राइस 100, तो ये आ जाएगा आपका 1.01। कितना आ जाएगा, 1.01। अब आप निकालोगे 17-18 और 18-19, यहां पर आपको ईपीएस निकालनी है। ठीक, तो सबसे पहले 17-18 में आप निकालोगे बेसिक ईपीएस। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, सॉल्यूशन ही देख लेते हैं। कन्वर्जन फैक्टर हमारे सामने आ ही गया है, लो जी
तो ईपीएस फॉर 17-18 एज ओरिजिनली रिपोर्टेड, भाई बेसिक ईपीएस आपकी 17-18 की कितनी आएगी, 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 50 लाख शेयर्स, तो 2 रुपीज आ गई। ठीक, अब इसको रीस्टेट करना पड़ेगा, आपको इफेक्ट ऑफ राइट शेयर यहां पर लेना पड़ेगा, तो कैसे निकलेगा, 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 50 लाख इनटू 1.01, ये कन्वर्जन फैक्टर है, तो ये रीस्टेट हो जाएगी आपकी 1.98 पे, ये आपको रिपोर्ट करना होता है। ठीक, अब 18-19 की आपकी ईपीएस निकलेगी आफ्टर इफेक्ट ऑफ राइट इशू, दैट इज 1 करोड़ 50 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख शेयर इंटू 1.01 कन्वर्जन फैक्टर इंटू 3/12। 3/12 क्यों किया, क्योंकि राइट आपका 30 जून के बाद है, 30 जून को आपको डेट ऑफ एक्साइज ऑफ राइट है, तो 30 जून तक तो यही शेयर थे, और उसके बाद आपके शेयर कितने हो गए, 62,50,000, जो कि 9 महीने रहे। ठीक, तो आप ईपीएस यहां से निकालोगे तो 2.52 आ जाएगा। ठीक है जी, उसके लिए कैलकुलेशन आपको ये थियोरिटिकल एक्स राइट वैल्यू निकालनी पड़ेगी और एडजस्टमेंट फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा, कन्वर्जन फैक्टर बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, AS 22, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाइमिंग डिफरेंस एंड परमानेंट डिफरेंस एज पर AS 22। ये थियोरिटिकल क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, टाइमिंग डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस का आपको शॉर्ट नोट देना है। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि सर, टाइमिंग डिफरेंस वो डिफरेंस होता है जो कि करंट ईयर में ओरिजिनेट होता है, दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग रिवर्सल इन द फ्यूचर पीरियड, जो कि आपका फ्यूचर पीरियड में क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और परमानेंट डिफरेंस वैसा वो डिफरेंस है जो कि अराइज तो हो गया करंट पीरियड में, जो आगे जाकर कभी भी रिवर्स आपका नहीं होगा। टाइमिंग डिफरेंस पे आप डीटीए डिटेल क्रिएट बनाओगे और परमानेंट डिफरेंस पे कोई डीटीए डिटेल आपका नहीं बनता है। ठीक, तो यही इसकी बातें हैं। एग्जाम्पल दे सकते हो, सर ऐसे डिफरेंसेस बताओ जो टाइमिंग है, जैसे आपका सेक्शन 43B की जो पेमेंट होती है इनकम टैक्स में, सेक्शन 43B की पेमेंट है, तो वो क्या होती है, वो इनकम टैक्स में तो आप एक्रूअल बेसिस पे बुक कर लेते हो, लेकिन इनकम टैक्स में आपको भी एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर लाऊंगी, अलाउ तो होंगी लेकिन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे होंगी। और डेप्रिसिएशन हो गया, इनकम टैक्स में आप डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका सेक्शन 32 के हिसाब से होता है, और बुक्स में आप अपना, हाँ जी, बुक्स में आप अपना पीपीई के एएस के हिसाब से करते हो डेप्रिसिएशन। परमानेंट डिफरेंस कौन से होंगे, सब परमानेंट डिफरेंस होता है वो डिफरेंस जो कभी भी आपको इनकम टैक्स में अलाउ नहीं किए जाएंगे, जैसे डोनेशन टू अ प्राइवेट ट्रस्ट, आपने किसी प्राइवेट ट्रस्ट को डोनेशन दी, वो सर इनकम टैक्स में आपको कभी भी उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपने बुक्स में तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन इनकम टैक्स आपको कभी भी प्रोविजन की डिडक्शन आपको नहीं देगा, तो वो सब क्या है, आपके परमानेंट डिफरेंस है। लो जी, अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम फॉर अ पीरियड आर सेल्डम द सेम, परमानेंट डिफरेंस आर दोज डिफरेंस विच अराइज इन वन पीरियड एंड डू नॉट रिवर्स सब्सिक्वेंटली, जो कभी भी रिवर्स आपके नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इनकम एग्जेम फ्रॉम द टैक्स और एक्सपेंस दैट इज नॉट अलाउेबल एज डिडक्शन फॉर टैक्स पर्पज, भाई कोई ऐसी इनकम विच इज एग्जेम फ्रॉम टैक्स, जैसे आपकी डिविडेंड इनकम हो गई, ठीक, तो डिविडेंड इनकम पे टैक्स नहीं लगता, एग्रीकल्चर इनकम होगी उस पे टैक्स नहीं लगता आपका। ठीक, एक्सपेंस दैट इज नॉट अलाउेबल एज डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स, जैसे डोनेशन टू अ प्राइवेट ट्रस्ट हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वगैरह हो गया। ठीक, टाइमिंग डिफरेंस आर दोज डिफरेंस विच अराइज इन वन पीरियड एंड आर कैपेबल ऑफ रिवर्सल इन वन और मोर सब्सिक्वेंट पीरियड, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, बोनस हो गया, एटसेट्रा। सेक्शन 43B के आप पेमेंट देख सकते हो, सेक्शन 43B एक्सपेंस। ठीक है जी, नाउ रामा लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, आगे क्या कहता है, देर इज अ एडिक्वेट एविडेंस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट सफिशियंसी। ठीक है सर, वो कह रहा है कोई एविडेंस है फ्यूचर प्रॉफिट सफिशियंसी का, तो आप डीटीए बना सकते हो विद रिस्पेक्ट टू अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एंड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस। You are required to calculate the amount of deferred tax asset and liability to be recognized as transition adjustment, assuming tax rate is 30%. ठीक है, आपको DTA detail बनाना है। Depreciation as per accounting record is 6 lakh and depreciation as per income tax record is 10 lakh. वगैरह books में आपने 6 लाख का deduction लिया है और income tax के हिसाब से आपको 10 लाख का deduction मिलेगा, ज्यादा depreciation मिलेगा income tax में। Income tax में अगर आपको ज्यादा deduction मिल रहा है तो आपकी taxable income कम आएगी, टैक्सेबल इनकम अगर आपकी कम आएगी तो आपका टैक्स भी कम पे होगा, टैक्स कम पे हो रहा है तो आपकी क्या बन जाएगी, डेफर टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी, तो यहां पर आ जाएगा आपका डीटीएल। ठीक, कितने का डीटीएल बनेगा आपका, 4 लाख, 4 लाख का डिफरेंस है, 4 लाख का 30%, 1,20,000 का डीटीएल। देन
अनअमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एज पर टैक्स रिकॉर्ड, कि सर इनकम टैक्स में आपके कुछ खर्चे अनअमोर्टाइज रह गए, इनकम टैक्स में आपके अलाउ नहीं हुए, 60,000 के खर्चे ऐसे थे जो इनकम टैक्स में अलाउ नहीं किए गए, ठीक। कुछ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है जो आपने बुक्स में तो पूरे रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन इनकम टैक्स ने बोला कि इसको कुछ सालों में राइट ऑफ करोगे आप, कुछ साल में आपको इसकी डिडक्शन मिलेगी। तो ऐसे 60,000 के खर्चे जो इनकम टैक्स ने अलाउ नहीं करे तो आपकी टैक्सेबल इनकम बढ़ी हुई आ रही है, टैक्सेबल इनकम बढ़ी हुई आ रही है तो आपने टैक्स ज्यादा पे कर दिया होगा, ज्यादा पे करा है तो आपका क्या बन जाएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा, डीटीए बन जाएगा, ठीक। तो यहां पर आ जाएगा डीटीए, डीटीए आपका बनेगा कितने का, 60,000 का 30%, 18,000, ठीक। तो नेट में आपकी क्या बनेगी, नेट में आपकी डीटीएल बनेगी, डेफर टैक्स लाइबिलिटी कितनी, 120 माइनस 18, दैट इज 102, 1,02,000 की आपकी डेफर टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। इसकी एंट्री क्या डालेगी, इसकी एंट्री डालेगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेफर टैक्स लाइबिलिटी डीटीएल, ठीक है जी। नेक्स्ट AS 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, वट डू यू अंडरस्टैंड बाई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, देख चुके सर मीनिंग ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। वट आर द डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट ऑफ AS 24 फॉर DCO, कि सर DCO की आपको डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट देनी है, ये सर आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं, मैंने आपको बताया था कितने क्वेश्चन है, आपके तीन क्वेश्चन है DCO वाले AS में, AS 24 में तीन क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ DCO, डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट ऑफ DCO, और थर्ड इज योर those activities which do not satisfy the criteria A of paragraph 3 of AS 24, जो किसी के साथ कंबाइन होकर DCO बन सकते हैं, इंडिविजुअली वो आपका DCO का क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करी है। तो ये तीन क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे जो आपके इस AS 24 में, ये तीन ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है जी। नाउ कम टू सर AS 26 इनटैंजिबल एसेट्स, एक्स लिमिटेड कैरिड ऑन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकरी प्रोडक्ट, ठीक है सर, बेकरी प्रोडक्ट बनाने का इनका बिजनेस है। द कंपनी हैज टू ट्रेडमार्क, सन एंड सूर्या, दो ट्रेडमार्क है कंपनी के पास, सन और सूर्या। वन मंथ बिफोर द कंपनी कम्स टू नो थ्रू वन ऑफ द मार्केटिंग मैनेजर दैट बोथ द ट्रेडमार्क्स हैव एलिजली बीन इंफ्रिज्ड बाय अदर कंपिटिटर्स एंगेज्ड इन द सेम फील्ड, वो कह रहे सर एक महीना पहले कंपनी को पता लगा कि ये दोनों ट्रेडमार्क किसी और बंदे ने, किसी और कॉम्पिटिटर ने यूज कर लिए हैं, इन्फ्रिंज करे हैं, ठीक है जी, जो कि सेम फील्ड का है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन लीगल डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी इन्फॉर्म दैट इट हैड वीक केस ऑन ट्रेडमार्क सन एंड स्ट्रॉन्ग केस इन रिगार्ड टू ट्रेडमार्क सूर्या, ठीक है सर। इन्वेस्टिगेशन के बाद कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट ने बताया कि उनका जो सन वाला ट्रेडमार्क है उसका जो केस है वो तो वीक पड़ रहा है, और सूर्य वाला जो ट्रेडमार्क है उसका केस है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एक्स लिमिटेड इनकर्ड एडिशनल लीगल फीस टू स्टॉप इन्फ्रिंजमेंट ऑन बोथ द ट्रेडमार्क, एक्स लिमिटेड ने क्या करा सर, लीगल फीस के ऊपर खर्चा करा है ताकि इन दोनों ट्रेडमार्क की इन्फ्रिंजमेंट को रोका जा सके, इनका मिसयूज रोका जा सके। बोथ द ट्रेडमार्क हैव रिमेनिंग लीगल लाइफ ऑफ 10 years, वो कह रहा है इनकी जो लाइफ बची है वो कितनी बची है, 10 साल बची है। हाउ शुड एक्स लिमिटेड अकाउंट फॉर दीज लीगल कॉस्ट इनकर्ड इन रिलेटिंग टू दीज टू ट्रेडमार्क, वो कह रहा है इन लीगल कॉस्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। सर AS 26 क्या कहता है, AS 26 कहता है कि किसी भी इंटेंजिबल एसेट के ऊपर अगर आपने सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर किया है तो वो तब ही कैपिटलाइज होगा अगर उससे जो इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलेगा वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ओरिजिनली असेस्ड इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। मतलब अगर आपको लगता है कि भाई इस खर्चे करने की वजह से जो मेरे को फायदा होगा, जो मैंने पहले असेसमेंट लगाई थी फायदे की, उससे ज्यादा फायदा हो जाएगा तो आप इस खर्चे को कैपिटलाइज कर दोगे, तो आप इस खर्चे को कैपिटलाइज कर दोगे, अदरवाइज आप इस खर्चे को क्या करोगे, एक्सपेंस ऑफ करोगे। अब ये जो लीगल कॉस्ट है सर, इस लीगल कॉस्ट से कोई आपको ऐसा बेनिफिट तो पहुंचेगा नहीं, ये लीगल कॉस्ट तो आप बस अपने ट्रेडमार्क को बचाने के लिए कर रहे हो, आप अपने ट्रेडमार्क का मिसयूज रोकने के लिए आप लीगल कॉस्ट इनकर कर रहे हो, तो ये लीगल कॉस्ट आपकी कैपिटलाइज नहीं होगी, दिस शुड हैव बीन एक्सपेंस्ड ऑफ इन योर पीएनएल अकाउंट, तो ये AS 26 के हिसाब से आपकी कैपिटलाइज नहीं होगी, ठीक। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर, इसके ऊपर आपका AS 29 का भी क्वेश्चन बन सकता है प्रोविजन के ऊपर। यहां पर वो कह सकता है कि सर आपका जो स्ट्रॉन्ग वाला ट्रेडमार्क है उसके लिए आपको प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंस बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, ठीक। तो सर क्योंकि वहां पर स्ट्रॉन्ग केस है हमारा, वहां पर हारने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो वहां पर प्रोविजन नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसमें तुम हार जाओगे, जिसमें तुम्हारे हारने का चांसेस लग रहे हैं, उसके लिए आपको प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंस बनाने चाहिए, तो वो मिक्स करके AS 29 भी यहां पर आपका डाल सकता है, ठीक है जी। आओ
अभी क्वेश्चन को रीड करते हैं। लो जी, एज पर एस 26, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन एन इनटेंजिबल एसेट आफ्टर इट्स परचेज और इट्स कंप्लीशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। हाउएवर इफ द सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर एनेबल, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हाउएवर इफ द सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर एनेबल द एसेट टू जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इन एक्सेस ऑफ इट्स ओरिजिनली असेस्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस और कैन बी मेजर्ड एंड एट्रीब्यूटेबल टू एसेट रिलायबली, देन सच सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द इंटेंजिबल एसेट। कि भाई आपका जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है उससे जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो ओरिजिनली असेस्ड बेनिफिट से भी ज्यादा मिलेगा, तो आप उसे कैपिटलाइज कर दोगे, अदरवाइज आप उसे क्या करोगे, एक्सपेंस ऑफ करोगे। The legal cost incurred for both the trademark do not enable them to generate future economic benefit in excess of its originally assessed standard of performance. They only ensure to maintain them if the case is decided in the favor of the company. Therefore, such legal cost incurred for both the trademarks must be recognized as an expense. ठीक। तो ये था आपका नवंबर 20। Now come to last RTP, that is your मई 20। लो जी, मई 20 ईपीएस, ईपीएस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट, एक बार पढ़ो आप। आइए जी, क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस ऑफ मेसर एक्स वाई जेड लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर टैक्स इज 75 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच आउटस्टैंडिंग इस 10 लाख। ओके, ये तो सर आपका बेसिक ईपीएस यहां से निकल जाएगा आपका, ठीक है जी। 1,08% कन्वर्टिबल डिबेंचर ऑफ 100 इच वर इशूड बाय द कंपनी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। 1,10,000 इक्विटी शेयर आर सपोज टू बी इशूड ऑन द कन्वर्जन, कंसिडर रेट ऑफ इनकम टैक्स एज 30%। ये आपके पोटेंशियल इक्विटी शेयर बन जाएंगे, ये आपके क्या बन जाएंगे, पोटेंशियल इक्विटी, इक्विटी शेयर में बन सकते हैं, इसलिए आपको डाइल्यूटिव ईपीएस भी निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो पहले बेसिक की बात करें तो बेसिक 75 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो बेसिक तो आपकी कितनी आ गई, बीईपीएस, दैट इज योर 7.5 आ गई। ठीक, अब डीईपीएस डाइल्यूटिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डीईपीएस, इसके लिए आपको पहले नेट प्रॉफिट के ऊपर काम करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 75 लाख, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 75 लाख, टैक्स रेट है 30% का, तो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल सकते हो, 75 लाख डिवाइडेड बाय 70%, ठीक, या फिर सीधा सीधा आप क्या कर सकते हो, आप इंटरेस्ट को ऐड भी कर सकते हो, ऐड कर सकते हो आप यहां पर इंटरेस्ट, और लेस कर सकते हो टैक्स ऑन इंटरेस्ट, क्योंकि जब आप इक्विटी शेयर को, जब आप डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर दोगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। ठीक, तो बताओ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है, सीधा आपने इंटरेस्ट को नेट ऑफ टैक्स क्या करा, ऐड कर दिया, तो इंटरेस्ट लगेगा आपका 1 लाख डिबेंचर इंटू 100 का 8%, That is 8 लाख का तो इंटरेस्ट हो गया, और इस 8 लाख पे आपका टैक्स हो गया 30% का, तो 240 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा आपका 75 लाख प्लस 8 लाख
माइनस 240 80 लाख 60 थाउजेंड 80 60, दिस इज योर नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 80 60, ठीक, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स 10 लाख तो थे ही थे भाई, 10 लाख तो थे ही, प्लस 1.1 लाख और आ जाएंगे, तो कितना हो जाएंगे आपके 11 लाख 10 थाउजेंड. तो 80 लाख 60 थाउजेंड डिवाइडेड बाय 11 10, तो ये आ जाएगा 7.26. 7.26 आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं. लो जी, बेसिक ईपीएस तो ठीक आई थी 7.5, डीईपीएस निकाल लिया आपने दिस, ये देखो एडजस्ट ठीक है, 80 60 आ गया एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, ठीक, और 7.26 बिल्कुल ठीक आ रही है. ठीक, आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, जो मैं पहले कर रहा था उसमें क्या करते आप 75 लाख नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो आप बिफोर टैक्स निकाल लेते 75 लाख डिवाइडेड बाय 70%, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाता आपका, तो ये आता है 1071 4286, ऐसा कुछ आ रहा है. फिर आप टैक्स माइनस करते, फिर आप क्या करते टैक्स माइनस करते, जैसे 0 7 1 4 2 8 6 1 0 7 1, हाँ जी, तो भी फिगर आपकी 80 लाख, मतलब ये जो फिगर आती इसमें फिर आप 30% टैक्स माइनस करते तो भी फिगर आपकी 80 60 ही आ जाती, ठीक, कम फिर के बात वही है, करके देख लेना आप घर पे, ठीक. तो ये आपका हो गया सीधा सीधा. नेक्स्ट AS 22, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर स्टेटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ PQR लिमिटेड ऑन 31/3/18. आपको बुक्स में DTL और DTA दोनों के बैलेंस दे रखे हैं. DTL आपका 30 लाख का और DTA आपका 15 लाख का. द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर 18-19. ओके, टैक्स रेट है 30% का, ये कुछ एडजस्टमेंट है. डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, डेप्रिसिएशन फॉर टैक्स पर्पस, ठीक है. आइटम डिस अलाउड इन 17-18 एंड अलाउड इन 18-19, डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट. देर आर न्यू No new additions in the fixed assets. You are required to show impact of various item on DTA DTL. ठीक है सर, आपको impact बताना है. पहले से आपके पास DTA DTL है, तो आपको पहले reversal देखना पड़ेगा. देखो जी कैसे करोगे. सबसे पहले depreciation as per books है 80 लाख का, और depreciation for tax purpose है 70 लाख का. तो income tax में आपको depreciation कम मिल रहा है. अगर इनकम टैक्स में आपको डेप्रिसिएशन कम मिल रहा है, तो आपकी टैक्सेबल इनकम कम आएगी. टैक्सेबल इनकम अगर आपकी कम आएगी, तो आप टैक्स क्या करोगे बताइए जी. टैक्सेबल इनकम, सॉरी, इनकम टैक्स में आपको डेप्रिसिएशन कम मिल रहा है, तो आपकी टैक्सेबल इनकम क्या आएगी, ज्यादा आएगी. टैक्सेबल इनकम अगर आपकी ज्यादा आएगी, तो आप टैक्स क्या करोगे, ज्यादा पे कर दोगे. ज्यादा पे कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा. लेकिन आपके पास पहले डीटीएल है और ये पुराना डिफरेंस है, तो आप क्या करोगे, रिवर्सल ऑफ डीटीएल. रिवर्सल ऑफ डीटीएल कितना, 10 लाख का डिफरेंस है, 10 लाख का टैक्स रेट है 30%, 10 लाख का 30% हो गया 3 लाख, तो 3 लाख रुपए का आपका रिवर्सल ऑफ डीटीएल, चेक कर लेते हैं. देखो जी, रिवर्सल ऑफ डीटीएल 3 लाख रुपए का, पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है जी. नेक्स्ट केस में वो कह रहा है कुछ आइटम आपकी 17-18 में तो डिसअलाउ हो गई थी, लेकिन 18-19 में आपको अलाउ हो गई है. कितने की, 10 लाख की आइटम आपको 18-19 में अलाउ हो गया है. 18-19 में आपको अलाउ हो गया आइटम, तो आपकी टैक्सेबल इनकम कम आएगी. टैक्सेबल इनकम कम आएगी, तो आप टैक्स कम पे करोगे. टैक्स कम पे करोगे तो आपका क्या होना चाहिए, टैक्स कम पे करोगे तो आपका डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बननी चाहिए. लेकिन पहले से आपके पास क्या है, डीटीए है, तो आप पहले रिवर्सल ऑफ डीटीए करोगे. क्यों, क्योंकि ये पुराना डिफरेंस है, तो आप क्या करोगे, रिवर्सल ऑफ डीटीए. रिवर्सल ऑफ डीटीए, 10 लाख का, 10 लाख का डिफरेंस है ना, 10 लाख का 30% 3 लाख रुपए, तो 3 लाख का आपका डीटीए रिवर्स हो जाएगा. ये लो जी,
फिर था आपका डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट, प्राइवेट ट्रस्ट को आपने डोनेशन दी है तो वो इनकम टैक्स में कभी भी अलाउ नहीं होंगी। अगर कभी भी अलाउ नहीं होंगी तो ये आपका टाइमिंग डिफरेंस है ही नहीं, ये परमानेंट डिफरेंस है, इस पे कोई डीटीए डिटेल आपका नहीं बनेगा, इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। तो देखो एक केस में रिवर्सल ऑफ डीटीए, एक केस में रिवर्सल ऑफ डीटीए डीटीएल, तो दोनों आपस में क्या हो गए, नेट ऑफ हो गए, तो आपका नेट डीटीए डीटीएल आपका निल हो गया, क्योंकि एक तो आपका डीटीए रिवर्स हो रहा है, एक डीटीएल रिवर्स हो रहा है, तो नेट इंपैक्ट विल बी निल। ठीक है जी, बस ये आपको टेबल बना के बताना था। अब एडिशनली आप लिख सकते हो सिंस नेट इंपैक्ट विल बी निल। ठीक है, नेक्स्ट एस 24, वट आर द डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट ऑफ एस 24 फॉर डीसीओ। कर लोगे सर, डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट एस 24 की देख चुके हम। गिव फोर एग्जाम्पल ऑफ द एक्टिविटीज दैट डू नॉट नेसेसरली सेटिस्फाई क्राइटेरिया ए और पैरा 3 ऑफ एस 24 बट दैट माइट डू सो इन कॉम्बिनेशन विद अदर सर्कमस्टांसेस। उन चारों एक्टिविटीज का आपको एग्जाम्पल देना है तो कर लेना है, वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एस 26, देखो जी, अ कंपनी एक्वायर्ड पेटेंट राइट फॉर 1200 लाख, 1200 लाख की एक पेटेंट राइट एक्वायर करा। द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी 5 years, 5 साल की इसकी प्रोडक्ट लाइफ है। एंड द अमोर्टाइजेशन वॉज डिसाइडेड इन द रेशियो ऑफ एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो विच आर एज अंडर। और ये अमोर्टाइजेशन का पैटर्न है, अमोर्टाइजेशन आपको इस रेशियो में लगाना है 600 600 600 300 300, तो रेशो में एक तरीके से बना सकता हूं 2:2:2:1:1, ये आपकी अमोर्टाइजेशन रेशो है। ठीक है जी, आफ्टर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के बाद क्या हुआ, इट वॉज एसर्टेन दैट पेटेंट वुड हैव एन एस्टिमेटेड बैलेंस फ्यूचर लाइफ ऑफ 3 years। 3 साल के बाद डिसाइड किया गया कि जो पेटेंट है वो 3 साल तक और चलेगा, तो यानी कि एक 6th ईयर भी एड हो जाएगा यहां पर। An estimated cash flow after 5th year is expected to be 150 lakh. वो कह रहे हैं यहाँ पर cash flow कितना हो जाएगा, 150 lakh का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। You are required to show amortization pattern under AS 26. Amortization pattern बताना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। सबसे पहले 3 साल तक अगर मैं बात करूँ तो इस रेशो में amortize होगा, जो आपका intangible asset है वो 2:2:1:1 में amortize होगा, 6th year को ignore कर दो, तो 2:2:1:1, तो 1200 कितना हो गया, 6, 7, 8, 1200 divided by 8 into 2, 300। हाँ जी, 300 lakh। ठीक है जी, 300 lakh आ रहा है आपके पहले 3 साल का, 300 lakh ईच। देखो जी, पहले साल में 300 लाख कैसे निकाला मैंने, भाई 1200 आपका पेटेंट का क्या है कॉस्ट है, इनटू 2/8, ये पहले साल का, सेकंड ईयर का भी है, थर्ड ईयर का भी है, क्योंकि रेशियो क्या है 2:2:1:1, पहले 5 साल की। ठीक, तो पहले साल भी 300, फिर 300, फिर 300। ठीक है जी, तो यानी कि 900 लाख तो अमोर्टाइज हो गया, बचा कितना रिमेनिंग बैलेंस, यहां पर अगर आप देखोगे तो रिमेनिंग बैलेंस बचा 300 लाख। ठीक, अब रेशो क्या बन गई, अब रेशो बन गया आपकी, यहां से देखो ये जो बचे हुए 300 लाख है इसको अमोर्टाइज करना आपको 300 300 और 150, यानी कि 2:2:1, ये रेशो बनेगी 2:2:1। तो कैसे आप अमोर्टाइज करोगे 300 लाख को, 300 × 2/5, तो हो जाएगा 120, अगले साल भी 120, फिर उसका आधा 60, तो ये आपका अमोर्टाइजेशन पैटर्न है। ठीक है जी, बोलो भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, तो इस तरीके से आप अपने पेटेंट को अमोर्टाइज करोगे, आप ऐसे टेबल बना के भी इसे दिखा सकते हो। चलो, तो ये हो गया आपका AS 26। आई होप सर आपको ये RTB के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब कम टू पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। लो जी, पास्ट एग्जाम में सबसे पहले उठाते हैं नवंबर 19। अब मोस्टली क्वेश्चन आपको रिपीटेड से मिलेंगे।
लो जी, तो नवंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 1B, 1 का बी पार्ट AS 26 का है। एज पर द प्रोविजन ऑफ AS 26 हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग सिचुएशंस, ये कुछ केसेस हैं आपके। पहला केस, ₹23 लाख पेड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू द लीगल एडवाइजर फॉर डिफेंडिंग द पेटेंट ऑफ अ प्रोडक्ट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। गलत है सर, अगर आपने किसी लीगल एडवाइजर को पेमेंट करी है तो वो नॉर्मल आपकी लीगल कॉस्ट है, आप अपने पेटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लीगल कॉस्ट इनकर कर रहे हो, उससे कोई आपको बेनिफिट थोड़ी ना मिलेगा, उससे कोई आपको कोई आपका इंटेंजिबल एसेट के ऊपर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर थोड़ी ना, जिससे आपका कोई बेनिफिट फ्यूचर बेनिफिट आपके फ्लो होंगे नहीं। तो ये आपका 23 लाख का खर्चा जो है वो लीगल कॉस्ट के नाम से आपके पीएनएल में डेबिट होना चाहिए। साथ साथ आंसर भी देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। एज पर एस 26 इंटेंजिबल एसेट सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन इंटेंजिबल एसेट आफ्टर इट्स परचेज और इट्स कंप्लीशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस व्हेन इट इज इनकर्ड अनलेस इट इज प्रोबेबल दैट एक्सपेंडिचर विल एनेबल द एसेट टू जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इन एक्सेस ऑफ इट्स ओरिजिनली असेट्स असेस्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस एंड एक्सपेंडिचर कैन बी मेजर्ड एंड एट्रीब्यूटेबल टू द असेट रिलायबली इफ दीज कंडीशन आर मेट द सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक। तो पहले केस में क्या था, इन द गिवन केस लीगल एक्सपेंस टू डिफेंड द पेटेंट ऑफ अ प्रोडक्ट अमाउंटिंग टू 23 लाख शुड नॉट बी कैपिटलाइज एंड बी चार्ज टू पीएनएल अकाउंट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर 1819 कंपनी स्पेंट 7 लाख फॉर पब्लिसिटी एंड रिसर्च एक्सपेंस ऑन वन ऑफ इट्स न्यू कंज्यूमर प्रोडक्ट विच वॉज मार्केटेड इन द सेम अकाउंटिंग ईयर बट प्रूव टू बी अ फेलियर। ठीक है सर, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा है, रिसर्च फेज में आपने खर्चा किया और वो रिसर्च आपकी फेल हो गई, तो ये सर नॉर्मल रिसर्च एक्सपेंडिचर है, इससे कोई इंटेंजिबल एसेट आपका जनरेट ही नहीं हुआ तो वो आपका कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा, ये आपका पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू एक्सपेंस द एंटायर अमाउंट ऑफ 7 लाख इन द पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर 31 बिकॉज नो बेनिफिट विल अराइज इन द फ्यूचर। भाई बेनिफिट अराइज होना चाहिए जो कि ओरिजिनली असेस्ड परफॉर्मेंस से ज्यादा हो, तभी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर आपका क्या होगा, कैपिटलाइज होगा विद द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। अ कंपनी स्पेंट ₹25 लाख इन द पास्ट 3 ईयर्स टू डेवलप अ प्रोडक्ट दीज एक्सपेंस वर चार्ज टू पीएनएल अकाउंट सिंस दे डिड नॉट मीट एएस 26 क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, कंपनी ने क्या करा था, इसे पीएनएल में डेबिट कर दिया था। करंट ईयर में, इन द करंट ईयर अप्रूवल ऑफ कंसर्न अथॉरिटी हैज बीन रिसीव्ड, द कंपनी विश टू कैपिटलाइज 25 लाख बाय डिस्क्लोजिंग इट एज अ प्राइवेट आइटम। कंपनी क्या चाहती है, कंपनी कहती है कि भी अब हम क्या करें, इस 25 लाख को प्राइवेट आइटम शो करके कैपिटलाइज कर देते हैं, जबकि गलत है, जबकि गलत है भाई, पहले तुम इसे पीएनएल में डेबिट कर चुके, वो रिसर्च फेज का खर्चा था, जब वहां रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ तो आप इनिशियली रिकॉग्निशन उसकी कर ही नहीं सकते, भले ही आपकी कंसर्न अथॉरिटी का अप्रूवल आ जाए लेकिन AS 26 तो मना करता है ना, तो आप इसे भी कैपिटलाइज नहीं करोगे। एज पर एस 26 एक्सपेंडिचर ऑन एन इंटेंजिबल आइटम दैट वॉज इनिशियली रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस बाय रिपोर्टिंग एंटरप्राइज इन द प्रीवियस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट एट अ लेटर डेट, दस द कंपनी कैन नॉट कैपिटलाइज द अमाउंट ऑफ 25 लाख एंड इट शुड बी रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस। अ कंपनी विद अ टर्नओवर ऑफ 200 करोड़ एंड अ एनुअल एडवर्टाइजिंग बजट ऑफ 50 लाख हैड टेकन अप फॉर मार्केटिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट बाय अ कंपनी। ठीक है जी, कंपनी ने एक नए प्रोडक्ट की मार्केटिंग शुरू कर दी, 200 करोड़ की कंपनी की टर्नओवर है और 50 लाख का एडवर्टाइजमेंट बजट है। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट कंपनी वुड हैव टर्नओवर ऑफ 20 करोड़ फ्रॉम द न्यू प्रोडक्ट। वो कह रहे कंपनी को लगता है कि नए प्रोडक्ट की वजह से इसकी 20 करोड़ की टर्नओवर हो जाएगी। द कंपनी हैड डेबिटेड पीएनएल अकाउंट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 50 लाख इनकर्ड ऑन इंटेंसिव स्पेशल इनिशियल एडवर्टीजमेंट कैंपेन फॉर द न्यू प्रोडक्ट। तो बताइए अब आप क्या करोगे, क्योंकि ये सर प्रमोशनल एक्टिविटी का खर्चा है तो ये पीएनएल अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। एडवर्टीजमेंट और प्रमोशनल एक्टिविटीज पे हमेशा जो भी खर्चा होता है वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट होता है, क्योंकि उससे कोई भी आपका इंटेंजिबल एसेट जनरेट नहीं हो रहा, ध्यान रहे, ठीक। हैज द कंपनी हैज डन करेक्ट ट्रीटमेंट बाय डेबिटिंग द सम ऑफ 50 लाख टू द पीएनएल अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट AS 20 से।
Following information is supplied by K Limited. Number of share outstanding prior to the right issue is 250. Right issue, two new share for 5 outstanding share, that is 1 lakh ke right share hai. Right share price is 98 ka. Last date for exercise the right is 30th June. Fair value of one equity share immediately prior to exercise of right is 102. 102 aapka pre-right price hai. Net profit to equity shareholder 17-18 mein 50 lakh, 18-19 mein 75 lakh. Calculate basic EPS एज पर एस 20. तो आपको 17-18 की BEPS निकालनी है. 17-18 की BEPS, यहां पर BEPS कैसे निकलेगी? 50 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 लाख, 20 रुपए आ रही है. ठीक. नाउ रीस्टेटेड बीईपीएस कैसे निकलेगी? कन्वर्जन फैक्टर, एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना पड़ेगा. उसके लिए आपको थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ शेयर चाहिए. थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकलेगी वो निकालते हैं. नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट, दैट इज 250 इंटू बिफोर राइट प्राइस 102 प्लस राइट शेयर 1 लाख इंटू राइट प्राइस 98 डिवाइडेड बाय टोटल शेयर 350. तो थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर विल बी 100.86 विल बी योर एक्स राइट प्राइस. तो एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाएगा 102 डिवाइडेड बाय 100.86. 1.01 ही आ रहा है. राउंड फिगर में 1.01 ही लेंगे. तो 1.01 के हिसाब से आप इसको रीस्टेट कर दो. प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा, 50 लाख. शेयर्स हो जाएंगे 250 इंटू 1.01, तो हो जाएगा 250 टू 500. 50 लाख डिवाइडेड बाय 250 टू 500 19.80 कह सकते हो आप. 802 सॉरी, जो भी लिख लो यार. ठीक. नाउ 18-19 में आपको बीईपीएस निकालनी है. प्रॉफिट रहेगा 75 लाख. प्रॉफिट रहेगा कितना? 75 लाख का. शेयर्स चेंज हो जाएंगे. शेयर्स कैसे निकलेंगे? शेयर्स निकलेंगे आपके 250, देखो 250 इंटू 1.01 इंटू कितने महीने का? 30 जून तक, 3 महीने प्लस. फिर हो जाएंगे शेयर 350 इंटू 9/12. तो ये वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स. थ्री टू फाइव, सिक्स टू फाइव, 75 लाख डिवाइडेड बाय 3 to 5, 6 to 5, 23.03. ठीक है जी, आओ जी आंसर चेक. लो जी, एक्स राइट प्राइस हो गया 1.01 का, कन्वर्जन फैक्टर हो गया, बीईपीएस हो गया आपकी 20 रुपए, रीस्टेटेड बीईपीएस 19.80 आ गई थी, और ईपीएस आपकी 18-19 की आ गई 23.03. ये कुछ कैलकुलेशंस आपकी हैं. नॉर्मल है सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं. ठीक. चलो एक बार लास्ट में देख लेता हूँ, कोई क्वेश्चन तो नहीं है. यहां पर कोई नहीं है क्वेश्चन. ठीक. नाउ कम टू नेक्स्ट पेपर, दैट इज योर नवंबर 19 के बाद नवंबर 20. क्वेश्चन नंबर 1B. देखो, स्विफ्ट लिमिटेड एक्वायर्ड पेटेंट राइट टू मैन्युफैक्चर सोलर रूफ टॉप पैनल एट अ कॉस्ट ऑफ 600 लाख. ठीक है सर, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी देखा था हमने, उसकी डबल फिगर है यहां पर. एक उन्होंने पेटेंट एक्वायर किया है 600 लाख का. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो है 5 साल की. अमोर्टाइजेशन रेशियो जो है वो अब फ्यूचर कैश फ्लो के बेसिस पर है. तो यानी कि पहले 5 साल तक अमोर्टाइजेशन रेशियो क्या रहेगी? 300-300, 150-150. यानी कि मैं इसको 2:2:2:1:1:1 कह सकता हूं. ठीक. थर्ड ईयर के बाद यहां पर चेंज हो गया. इट वॉज एस्टिमेटेड दैट कि पेटेंट की जो बैलेंस फ्यूचर लाइफ है वो 3 साल रहेगी, यानी कि छठा साल भी एड हो जाएगा.
और फिफ्थ ईयर के बाद जो कैश फ्लो रहेंगे वो 75 रहेंगे, 75 हो जाएंगे। ठीक, तो यहां पर अगर मैं इन तीनों की रेशियो चेक करूंगा, अमोर्टाइजेशन रेशियो, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कुछ 2:2:1। उसके बाद अमोर्टाइजेशन कॉस्ट ऑफ पेटेंट निकालनी है ईच साल की एज पर AS 26। तो बताओ पहले 3 साल की क्या रहेगी, पहले 3 साल की रहेगी आपकी 600 इंटू ये रेशियो आपकी 2:2:1:1, 6, 7, 8, 8, 2, तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 150। तो पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में आपकी अमोर्टाइजेशन कॉस्ट रहेगी 150 की। ठीक, नाउ 3 साल तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके बाद चेंज हो गया। तो 4, 5, 6 में आपकी जो बैलेंस कॉस्ट रहेगी, बताओ 600 में से आप कितना अमोर्टाइज कर चुके हो, 150 × 3 यानी कि 450 आप अमोर्टाइज कर चुके हो, बचा कितना 150। इस 150 को आप इस रेशो में अमोर्टाइज करो 2:2:1 में, तो क्या रहेगी आपकी, फोर्थ ईयर में रहेगी आपकी 150 × 2/5, फिफ्थ ईयर में भी आपकी सेम रहेगी, और सिक्स ईयर में कितनी हो जाएगी 150 × 1/5, तो कितना हो जाएगा ये आपका 60, 60, 30। ठीक है जी, तो ये आपका अमोर्टाइजेशन अमाउंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक, नाउ ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1D, काफी टाइम से एग्जाम में मतलब इंपॉर्टेंट रहा है, अब मेरे हिसाब से इतना रेलेवेंट नहीं रहेगा, बट फिर भी देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ आदित्य लिमिटेड फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31/3/20, अकाउंटिंग प्रॉफिट है 15 लाख का, बुक प्रॉफिट एज पर मैट, एक होता है सेक्शन 115JB मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, उसके हिसाब से भी बुक प्रॉफिट आपको निकालने होते हैं 750 के, प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट इज 250। तीन प्रॉफिट निकालिए, अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालिए, मैट के लिए प्रॉफिट निकालिए मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के लिए, और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हमने इनकम टैक्सेबल इनकम अपनी निकाल ली है। टैक्स रेट है आपका 20% और मैट का रेट है 7.5%। कैलकुलेट DTA DTL एज पर AS 22 एन अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डेबिटेड इन द PNL अकाउंट ऑफ दैट ईयर। इसको मैं सीधा सॉल्यूशन से आपको दिखाता हूं। देखो सबसे पहले अकाउंटिंग प्रॉफिट के हिसाब से आप टैक्स निकालोगे तो 15 लाख का प्रॉफिट है, 20% का टैक्स रेट है, 3 लाख आ गया। इनकम टैक्स प्रॉफिट के हिसाब से तो 2.5 लाख, 20% टैक्स रेट, 50,000 आ गया, और मैट के हिसाब से आपका 7.5 लाख इंटू 7.5%, 56,250 आ गया। टैक्स एक्सपेंस कैसे निकलता है आपका, करंट टैक्स प्लस डेफर टैक्स। अब टैक्स एक्सपेंस आपको पता है कितना है सर, टैक्स का खर्चा जो है वो तो 3 लाख ही है, तो 3 लाख इज इक्वल टू 50,000 का करंट टैक्स है, ये रहा आपका करंट टैक्स। ठीक, और डेफर टैक्स ये आपका निकल जाएगा 250 का डेफर टैक्स है। ठीक, अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डेबिटेड टू PNL अकाउंट कैसे निकलेगा, करंट टैक्स 50,000 रुपए का, डेफर टैक्स लाइबिलिटी 250 की, और एक्सेस ऑफ मैट ओवर करंट है, देखो आपको पेमेंट जो करनी होती है वो मैट की करनी होती है, तो 6,250 आपका क्या हो जाएगा, मैट हो जाएगा। तो टोटल का टैक्स का जो एक्सपेंस होगा जो PNL में डेबिट होगा वो कितना होगा, 306,250 ये रहेगा आपका। ठीक है जी, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं, तो इसको आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट January 21, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, AS 26 से है क्वेश्चन भी। अ कंपनी एक्वायर्ड फॉर इट्स इंटरनल यूज अ सॉफ्टवेयर ऑन 1 March 2020 फ्रॉम UK फॉर 150 pounds। ठीक है जी, एक्सचेंज रेट है आपका 100 rupees पर पाउंड, सेलर अलाउड अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 2.5%, तो 2.5% तो सीधा सीधा 150 में से माइनस कर दो, -2.5%, तो कितना हो गया 146,250। इसको आप कन्वर्ट करो रुपीज में, कितना हो गया आपका 1,462,500, 1,46,25,000। नाउ इंपोर्ट ड्यूटी है 10% की, ऐड हो जाएगी, कैपिटलाइज हो जाएगी। एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी 5% की, वो इंपोर्ट ड्यूटी ऐड करने के बाद जो फिगर आएगी उसके ऊपर 5% लगा देना। एंट्री टैक्स 2% का है, रिकवरेबल फ्रॉम टैक्स डिपार्टमेंट, रिकवरेबल खर्चा कैपिटलाइज नहीं होता, तो इसको कुछ नहीं करोगे आप, छोड़ दोगे। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऐड कर दो, प्रोफेशनल फीस
फॉर क्लियरेंस फ्रॉम कस्टम्स, ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर आप निकाल सकते हो, देखो किस तरीके से निकलेगी। देखो परचेज कॉस्ट है 150 पाउंड, इसमें से आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो 146,250, इसको कन्वर्ट किया रुपीज में तो इतनी आ गई। इंपोर्ट ड्यूटी 10% ऐड करी तो इतनी आ गई, तो ये फिगर आ गई। इस पे आप 5% लगा देना एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी, तो ये कुछ ऐड करके ये फिगर आ गई। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस और प्रोफेशनल क्लियरिंग फीस ये आप ऐड कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टू बी कैपिटलाइज विल बी दिस। एंट्री टैक्स मेंशनड अबव इज रिकवरेबल ऑब्लिक रिफंडेबल टैक्स, इट इज नॉट इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी, नाउ क्वेश्चन नंबर वन का डी पार्ट है, AS 22। क्वेश्चन नंबर 1D AS 22 से क्वेश्चन है। देखो द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर स्टेटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ HS लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2019। ये क्वेश्चन भी हमने आरटीपी में कवर कर लिया था, फिगर चेंज हो गया, सेम क्वेश्चन आ गया। पर्टिकुलर्स अमाउंट DTL दे रखा है आपको 60 लाख का, डेफर टैक्स असेट दे रखे हैं आपको 30 लाख के। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड 160, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड 140। चलो पहले इतनी बात करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में ज्यादा है, इनकम टैक्स के हिसाब से कम है। अगर इनकम टैक्स में कम डेप्रिसिएशन आपको अलाउ हुआ है तो आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा आएगी। टैक्सेबल इनकम अगर आपकी ज्यादा आ रही है तो आपने टैक्स ज्यादा पे किया होगा। अगर आप टैक्स ज्यादा पे करते हो तो आपकी क्या बनती है, आपका डेफर टैक्स एसेट बनता है, क्योंकि आपका पहले डीटीएल है। तो आप क्या करोगे, रिवर्सल ऑफ डीटीएल कितने से, 20 लाख का 30% टैक्स, तो 6 लाख से आपका रिवर्सल ऑफ डीटीएल। आइटम डिस अलाउड फॉर द पर्पज इन 18 फॉर द टैक्स पर्पज इन 18-19 बट अलाउड इन 19-20। लास्ट ईयर आपकी जो कुछ खर्चे थे डिसअलाउ हो गए थे, करंट ईयर में आपको उसका अलाउंस मिल गया है 20 लाख का। ठीक है जी, तो करंट ईयर में अगर आपको अलाउंस मिला है तो करंट ईयर में आपका टैक्सेबल इनकम कम हो गई होगी। टैक्सेबल इनकम कम हो गया तो आपने टैक्स कम पे किया होगा। टैक्स अगर आपने कम पे किया है तो आपकी डेफर टैक्स लाइबिलिटी बननी चाहिए, लेकिन आपका पहले DTA बन चुका है तो आप DTA को रिवर्स करोगे। तो क्या बोलोगे, रिवर्सल ऑफ DTA, क्योंकि ये पुराने डिफरेंस है जो अब रिवर्स होंगे। तो रिवर्सल ऑफ DTA 20 लाख का 30% 6 लाख, तो एक रिवर्सल ऑफ DTL है, एक रिवर्सल ऑफ DTA, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गया। देन डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट, ये आपका परमानेंट डिफरेंस है, ये टाइमिंग डिफरेंस है ही नहीं। क्यों, क्योंकि इनकम टैक्स में आपको प्राइवेट ट्रस्ट को डोनेशन देने की कोई भी छूट आपको नहीं मिलेगी। टैक्स रेट है 30%। देर वर नो एडिशन टू फिक्स असेट ड्यूरिंग द ईयर, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस आइटम ऑन DTA एंड DTL। ठीक है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो। ठीक, तो यहां इसने ये पैराग्राफ फॉर्म में दे दिया, आप टेबुलर फॉर्म में बना सकते हो जैसा RTP में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार मैं लास्ट क्वेश्चन में चेक कर लेता हूं। नहीं जी, लास्ट क्वेश्चन में तो कोई भी AS का क्वेश्चन नहीं है। तो कम टू नेक्स्ट पेपर, दैट इज जुलाई 21। तो अभी देख रहे होंगे कि ये चारों AS से जो क्वेश्चन आएंगे, दो या तीन आएंगे तो कंपलसरी में आने के चांसेस हैं, तो आपको अच्छे से करना है। लो जी, AS 24 का एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 1B कंपलसरी में आ गया है अभी, तो छोड़ना मत AS 24। थ्योरी समझ के बच्चे सोचते हैं कि इग्नोर कर दो, नहीं, कंपलसरी में आएगा जब भी आएगा। रोहिणी लिमिटेड इज द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ पैसेंजर कार एंड कमर्शियल व्हीकल, सेम क्वेश्चन RTP में भी था। द कंपनी इज वर्किंग ऑन अ स्ट्रेटेजिक प्लान टू क्लोज डाउन द प्रोडक्शन ऑफ पैसेंजर कार एंड टू प्रोड्यूस ओनली कमर्शियल व्हीकल ओवर कमिंग 5 years। ठीक है, कंपनी ने एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया, स्पेसिफिक प्लान नहीं बनाया, एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया है कि वो क्या करेंगे, पैसेंजर कार की प्रोडक्शन को कम करेंगे और कमर्शियल कार में वो शिफ्ट ओवर कर देंगे। हाउएवर no specific plan have been drawn up for sale of neither the division nor its asset। कोई भी इन्होंने specific plan नहीं बनाया कि हम asset बेच देंगे या division बेच देंगे, तो DCO तो बनेंगे ही नहीं यहाँ पर, ये discontinuing operation है नहीं। As a part of its prospective plan, it will reduce the production of passenger car by 20% annually। वो कह रहा है जो उन्होंने plan बनाया है उसके according वो अपने passenger car की जो production है वो हर साल 20-20% से decrease कर देंगे। Okay।
It also plans to establish another new factory for the manufacture of commercial vehicle and transfer surplus employees in the phased manner. ठीक है सर, वो क्या करेंगे, एक नई फैक्ट्री सेटअप करेंगे और कमर्शियल व्हीकल से जो लेबर है, जो वर्कफोर्स है, उसको उठाकर वो कमर्शियल व्हीकल में क्या करेंगे, वो उसकी प्रोडक्शन में लेबर फोर्स को लगाएंगे, पैसेंजर कार्स की लेबर फोर्स को कम कर देंगे. यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट इफ मेयर ग्रेजुअल फेजिंग आउट इन इट सेल्फ कैन बी कंसिडर्ड एज डीसीओ विदिन द मीनिंग ऑफ AS 24. की जो एक ग्रेजुअल फेजिंग आउट कर रहे हैं, क्या ये डीसीओ के मीनिंग में कवर होगा, नहीं कवर होगा, बिकॉज इट इज अ एक्टिविटी विच डज नॉट सेटिस्फाई क्राइटेरिया 3A, पैरा 3A ऑफ AS 24. ये उन चार एक्टिविटीज का पार्ट है. ठीक है जी. इफ द कंपनी पासेस अ रेजोल्यूशन टू सेल सम ऑफ द एसेट्स इन द पैसेंजर कार एंड ऑल्सो टू ट्रांसफर फ्यू अदर एसेट्स ऑफ द पैसेंजर कार डिविजन टू अ फैक्ट्री, डज इट ट्रिगर टू एप्लीकेशन ऑफ AS 24? कि कंपनी एक रेजोल्यूशन पास कर दे, तो रेजोल्यूशन पास करना क्या इसकी वजह से आपका AS 24 लगेगा? ठीक है. वुड योर आंसर बी डिफरेंट टू द अबव If the company resolved to sell the assets of passenger car division in a phased time bound manner, यहां पर तो लग जाएगा. तो अब इसका आंसर देखते हैं. पहले तो वो सब आपने एक्सप्लेन कर दिया. वो कह रहे रेजोल्यूशन इज साइलेंट अबाउट द स्टॉपेज ऑफ कार सेगमेंट इन अ डेफिनेट टाइमिंग पीरियड. वो कह रहे रेजोल्यूशन में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप अपनी जो पैसेंजर कार डिवीजन है उसको बंद कर दोगे, तो इसलिए खाली ये जो रेजोल्यूशन हमने पास किया है एसेट वगैरह को बेचने का, तो इससे हम इसको डीसीओ नहीं बोलेंगे. द सेल ऑफ सम एसेट्स एंड some transfer proposal were passed through resolution to the new factory, but the closer roadmap and new segment starting roadmap are missing. Hence, AS 24 will not be applicable and it cannot be considered as DCO. लेकिन अगले पार्ट में क्या कह रहा था? वो कुछ assets को phased out manner में बेचना start कर दिया उन्होंने. Yes, phased and time bound program resolved in the board clearly indicates the closure of passenger car segment in a definite time frame and will constitute a clear roadmap. Hence, this action will attract the compliance of AS 24 and it will be considered as a DCO as per AS 24. Or AS 24 ki disclosure aapko deni shuru karni padegi in the year, in the financial year in which initial disclosure event occurs. Theek hai ji. Next question. कंपलसरी में तो नहीं है, बैक में देख लेता हूं. हां जी, AS 22 का है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट में. सेम क्वेश्चन जो भी पीछे हमने देखा था, सेम क्वेश्चन है वैसे ही. The following particulars were stated in the balance sheet of Deep Limited on 31st March 2020. Deferred tax liability दे रखी है 28 lakh, deferred tax asset दे रखा है 14 lakh का. Following transactions were took place in the year 2021. पहला, depreciation as per books was 70 lakh, whereas depreciation for tax purpose is 42 lakh and there were no addition in the fixed asset. वो कह रहे books के हिसाब से 70 lakh है और tax purpose के हिसाब से 42 lakh है. Tax purpose के हिसाब से कम है, कम है तो आपकी taxable income ज्यादा आ रही होगी, ज्यादा आ रही होगी तो आपने tax भी ज्यादा pay कर दिया होगा. अगर आपने tax ज्यादा pay कर दिया तो आपका क्या बनेगा, deferred tax asset बनेगा. लेकिन पहले से DTL है तो ये तो उसका reversal हो जाएगा, तो reversal of DTL. रिवर्सल ऑफ डी टी एल अमाउंट कितना रहेगा, 70 माइनस 42, ये हो गया 28 लाख. तो 28 लाख का टैक्स रेट कितना है, 40%, 11.2 लाख. 11.20 लाख का आपका रिवर्सल ऑफ डी टी एल. चेक भी करते रहते हैं साथ साथ. रिवर्सल ऑफ डी टी एल 11.20 लाख का. ठीक है जी. नेक्स्ट, एक्सपेंस डिसअलाउड इन 1920 एंड अलाउड फॉर टैक्स पर्पस इन 2021. करंट ईयर में खर्चा अलाउ हो गया आपको, पिछले साल डिसअलाउ हो गए थे, करंट ईयर में अलाउ हो गए. करंट ईयर में अलाउ हो गया खर्चा तो आपकी टैक्सेबल इनकम कम होगी होगी. टैक्सेबल इनकम अगर आपकी कम हो गया है तो टैक्स भी आपने कम पे किया होगा. टैक्स कम पे किया है तो डीटीएल बनना चाहिए, लेकिन पहले आपका डिसअलाउ हो गया था तो ये हो जाएगा रिवर्सल ऑफ डीटीए. तो रिवर्सल ऑफ डीटीए कितना, 14 लाख का 40%, 5.6 लाख से आपका रिवर्सल ऑफ डीटीए. देखो रिवर्सल ऑफ डीटीए 5.6 लाख. क्लियर है. अगला,
शेयर इशू एक्सपेंस अलाउड अंडर सेक्शन 35D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फॉर द ईयर 2021 दैट इज 1/10 ऑफ 70 लाख इनकर्ड इन 1920। ठीक है, वो कह रहा है आपने कुछ 70 लाख रुपए का खर्चा 1920 में शेयर इशू एक्सपेंस के ऊपर इनकर कर दिया था। ठीक, लेकिन इनकम टैक्स में वो आपको एक ही बार में अलाउ नहीं हुआ, आपने बुक्स में तो उसे पूरा बुक कर लिया 70 लाख, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में क्या होगा, आपका हर साल 1/10 अलाउ होगा। हर साल क्या होगा, 1/10 अलाउ होगा। तो करंट ईयर में आपको 1/10 ऑफ 70 लाख यानी कि 7 लाख रुपए का खर्चा अलाउ हो गया। 7 लाख का खर्चा अलाउ हो गया तो आपकी टैक्सेबल इनकम कब होगी, होगी क्योंकि बुक्स में तो आपने लास्ट ईयर ही ले लिया था, लेकिन करंट ईयर में इनकम टैक्स में आपको 7 लाख का खर्चा अलाउ हो गया तो आपकी टैक्सेबल इनकम कम होगी। टैक्सेबल इनकम कम हो गई है तो आपने टैक्स कम पे किया होगा तो DTL बनना चाहिए, लेकिन पहले ही आपका ये पहले से चला आ रहा है डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा, रिवर्सल ऑफ DTA, रिवर्सल ऑफ DTA। कितना, 7 लाख का 40%, 4.2 लाख, 4.2 लाख का रिवर्सल ऑफ DTA, रिवर्सल ऑफ DTA 7 लाख का 2.8 लाख, 7 लाख का 40% इज 2.8 लाख। ठीक है, एंड लास्ट इज योर रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी वर मेड ड्यूरिंग द ईयर 140 लाख एंड वर स्प्रेड ओवर द पीरियड 2021 एंड 2022 इक्वली इन द बुक्स। वो कह रहा है करंट ईयर में आपने क्या करा, रिपेयर करा ली 140 लाख की, ठीक है जी, लेकिन आप अपनी बुक्स में से 2 साल में राइट ऑफ कर रहे हो, आधा इस साल आधा अगले साल, लेकिन इनकम टैक्स में ये खर्चा क्या हुआ, आपको इसी साल ही अलाउ हो गया। इनकम टैक्स में ये खर्चा आपको इसी साल ही पूरा अलाउ हो गया। बुक्स में तो आपने सिर्फ 70 लाख रुपीज इस बार यूज करा है, राइट ऑफ किया है, लेकिन इनकम टैक्स में ये खर्चा आपको पूरा अलाउ हो गया। तो इनकम टैक्स में पूरा अलाउ हो गया तो आपकी टैक्सेबल इनकम कम होगी, होगी टैक्सेबल इनकम अगर आपकी कम हो गया तो आपने टैक्स कम पे किया होगा, टैक्स कम पे किया तो आपकी DTL बननी चाहिए, और ये खर्चा इसी साल ही आया है, इसका पिछले साल से कोई लेना देना नहीं है, तो यहां पर कोई रिवर्सल का पॉइंट ही नहीं आएगा, यहां पर DTL आपका बनेगा, क्रिएट ओरिजिनेशन ऑफ DTA, ओरिजिनेशन ऑफ DTL या क्रिएशन ऑफ DTL, डेफर टैक्स लायबिलिटी आपकी यहां पर बनेगी। ठीक है जी, यहां पर पिछले साल से कोई लेना देना नहीं है, तो यहां आप क्या बोलोगे, क्रिएशन ऑफ DTL, लो जी, इंक्रीज इन DTL, ओरिजिनेटिंग टाइमिंग डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा, 70 लाख का 40%, दैट इज 28 लाख। ठीक है जी, अब अगर आप मुझसे एंट्रीज पूछो, जैसे रिवर्सल ऑफ DTL, तो यहां पर क्या होगा, एंट्री क्या बनेगी, यहां पर आपकी बनेगी रिवर्सल ऑफ DTL की, DTL डेबिट टू PNL, इस केस में एंट्री क्या बनेगी आपकी, रिवर्सल ऑफ DTA PNL टू DTA, यहां पर रिवर्सल ऑफ DTA PNL टू DTA, इंक्रीज इन DTL PNL टू DTL। तो अगर आप PNL अकाउंट में पूछोगे तो PNL अकाउंट में, PNL अकाउंट जो है वो आपका 28 लाख से डेबिट हुआ, 2.8 लाख से डेबिट हुआ, तो 28 प्लस 2.8 प्लस 5.6 माइनस 11.2, तो नेट में आपका PNL अकाउंट, PNL अकाउंट आपका नेट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 25.20 से। ठीक, और DTL में क्या इंपैक्ट आएगा सर, DTL, DTL आपकी 11.20 से एक की ये कम हो गई और 28 लाख से बढ़ गई। अब आते हैं नेक्स्ट पेपर पे, दैट इज योर दिसंबर 21, लास्ट पेपर हमारा दिसंबर 21 का। इसमें आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 सी, देखिए क्या कहता है, सर्जिकल लिमिटेड इज डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सर्जिकल इक्विपमेंट। ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोसेस वॉज 67 लाख। ठीक है, एक वो क्या कहते हैं, एक प्रोडक्शन प्रोसेस बना रहे हैं, एक डिजाइन बना रहे हैं, एक पेटेंट कह सकते हो आप, पेटेंट बना रहे हैं, उस पेटेंट को बनाने के लिए उनका 67 लाख का खर्चा हो गया 31 मार्च 2020 में। द प्रोडक्शन प्रोसेस मेट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज एन इनटेंजिबल एसेट ऑन 1 जनवरी 2020। ठीक है सर, 31 मार्च 20 में आपका जो टोटल खर्चा हुआ है वो कितना हुआ है, 67 लाख का, और
इंटेंजिबल एसेट का जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हुआ है 1 जनवरी 2020 को, तो मैं ऐसी टाइमलाइन बना देता हूँ। ठीक, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है 1920 का। ठीक, यहाँ पर पूरे साल में आपने 67 लाख इनकर कर दिए और ये 1 जनवरी 2020 यहां पर आपका इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज शुरू हो जाएगा। ठीक, एक्सपेंडिचर इनकर टिल दिस डेट वॉज 35 लाख। ठीक है, वो कह रहे यहां तक का रिकॉग्निशन से पहले का जो खर्चा है वो हो गया 35 लाख का और टोटल खर्चा हुआ 67 लाख का। तो आप सिंपली बात कह सकते हो कि ये 35 लाख तो आपका एक्सपेंस ऑफ हो जाएगा, पीएनएल में डेबिट हो जाएगा, और इनटेंजिबल एसेट की जो कॉस्ट बनेगी वो कितनी बनेगी, 67 माइनस 35, दैट इज 32 लाख की कॉस्ट बनेगी आपकी फॉर द ईयर 1920। आगे फर्दर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोसेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 21 वॉज 105 लाख। वो कह रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपका 105 लाख का और एडिशनल खर्चा हो गया। एज ऑन 31 मार्च 21 रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द टेक्निक एम्बॉडीड इन द प्रोसेस इज एस्टिमेटेड टू बी 89 लाख। वो कह रहे हैं जो रिकवरेबल अमाउंट है वो कितना आ रहा है, 89 लाख का आ रहा है। तो सर आपको इंपेयरमेंट करनी पड़ेगी, इंपेयरमेंट लॉस दिखाना पड़ेगा। दिस इंक्लूड एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एंड इनफ्लोज। अंडर द प्रोविजन ऑफ AS 26 यू आर रिक्वायर्ड टू एसर्टेन एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज टू पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 20। ये हमने निकाला 31 मार्च 20 में पीएनएल में कितना जाएगा, 35 लाख जाएगा। भाई बिफोर रिकॉग्निशन जितना भी खर्चा हुआ है इंटेंजिबल एसेट पे वो सारा रिसर्च एक्सपेंडिचर है, तो रिसर्च का सारा खर्चा आपका क्या होगा, पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट ऑन 31 मार्च 20, 31 मार्च 20 में एसेट इंटेंजिबल एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना रहेगा, 32 लाख रहेगा। एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज टू पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 21 एंड कैरिंग अमाउंट ऑन द 31 मार्च 21। ठीक है, यहां पर आपको इंपेयरमेंट करनी पड़ेगी। देखो 31 मार्च 20 में खर्चा बैलेंस कितना था, 32 लाख का, प्लस आपके और एक्सपेंस हो गए सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर 105 लाख का, तो कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, 32 प्लस 105 137 लाख का। और वो कह रहे रिकवरेबल अमाउंट आपका कितना है, 89 लाख का। तो आप इंपेयरमेंट लॉस कितना बुक करोगे, 48 लाख का, और रिकवरेबल अमाउंट विल बी 89 लाख। दिस विल बी योर कैरिंग अमाउंट ऑन 31/3/21। तो अगर इंपेयरमेंट लॉस है वो आपका पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया 31 मार्च 21 में कितना एक्सपेंस डेबिट होगा, 48 लाख का, या आप इसे अमोर्टाइजेशन कॉस्ट भी बोल सकते हो, और 31/3/21 में बैलेंस कितना रहेगा, 89 लाख का। यह आपका क्वेश्चन था। ठीक है जी, नेक्स्ट कंपल्सरी में तो AS 26 ही आया और उसके बाद हमारे पास लो जी ईपीएस का क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट। एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड ईपीएस इफेक्ट इज गिवन टू ऑल डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर दैट आर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड, कमेंट एंड ऑल्सो कैलकुलेट द बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर द ईयर 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 64,12,500, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग 15 लाख। तो यहां से तो बेसिक ईपीएस निकाल लो, बीईपीएस कितनी आ जाएगी, 64,12,500 डिवाइडेड बाय 15 लाख, ये आ गई 4.275। नंबर ऑफ 9% कन्वर्टिबल डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशूड ऑन 1 जुलाई 2020 75,000, ईच डिबेंचर इज कन्वर्टेड इनटू 8 इक्विटी शेयर्स, टैक्स रिलेटिंग टू इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 35%। तो डीईपीएस निकालनी है, डीपीएस के लिए आपकी एडजस्टेड अर्निंग कैसे निकलेगी, एडजस्टेड अर्निंग्स के लिए आपको क्या करना है, 64,12,500 इसमें इंटरेस्ट जोड़ा आपने, कितना इंटरेस्ट जोड़ा सर, इंटरेस्ट कितना आपका बचेगा 1 जुलाई को अगर आपके डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएंगे, तो सॉरी 1 जुलाई से इंटरेस्ट लगा लो आप 75,000 का 9% इंटू 9 महीने, तो ये आता है 506,250, इतना इंटरेस्ट।
तो 506250 और इस पे टैक्स हटा दो। का 35% 177188 कितना हो गया आपका 64,12,500 प्लस 506250 प्लस माइनस 177 6741562 एक बार चेक कर लेते हैं 6741562। लो जी आ गया एडजस्टेड नेट प्रॉफिट 6741562। ठीक है जी, बीपीएस तो हमने निकाल ही लिया था, अब हमारा कितना आ गया ये 6741562, ये एडजस्टेड अर्निंग्स है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, शेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे, डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू शेयर्स, तो 75,000 आपके एक डिबेंचर 8 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 75,000 इनटू 8 6 लाख। तो अब आप निकालोगे वेटेड एवरेज शेयर्स, तो देखो 15 लाख, 15 लाख तो 3 महीने के लिए, और 15 लाख में 6 लाख और जोड़ दो 21 लाख 9 मंथ्स के लिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 19,50,000। तो आपके वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर विल बी 19,50,000। एक बार इसको भी फिगर को चेक कर लेते हैं 1950। लो जी 1950 क्लियर है। अब निकाल लो डीपीएस निकाल लो कितनी हो जाएगी 6741562 डिवाइडेड बाय 1950 3.46। ठीक है जी, तो ये आपकी आ गई डाइल्यूटिव अर्निंग पर शेयर। क्लियर है जी, तो ये हमारे साथ 4 एएस हो गए, AS20, AS22, AS24 एंड AS26 फ्रॉम ऑल आरटीपीज एंड फॉर फ्रॉम ऑल पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। ठीक है जी, नाउ योर नेक्स्ट सेशन विल बी ऑफ, अगली वीडियो जो रहेगी वो आपकी रहेगी कौन सी, AS सारे अब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब आप कवर कर लो ये 3 टॉपिक, ESOPs, बायबैक एंड ESDR, ये टॉपिक कवर कर लो आप, ESOPs, बायबैक एंड इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट, ये तीनों इकट्ठे कर लेंगे हम। ठीक, तो इसकी वीडियो आ जाएगी, अभी कुछ सेशन में रिकॉर्डेड मोड पे डाल दूंगा, तो ESOPs, बायबैक एंड ESDR ये आप कवर कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।